इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मैंने नीलमगढ़ फ़ोन करना है, वहाँ का रब्ता नंबर भी बता दें और ये भी बता दें कि क्या नीलमगढ़ की कोई इंक्वायरी भी है या नहीं। इमरान ने कहा जी हाँ वहाँ इंक्वायरी है, दूसरी तरफ से कहाँ गया, और इसके साथ ही रब्ता नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, इस बार एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर एहसान अली साहब की रहाइशगाह का नंबर दे दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने एक बार फिर क्रैडल दबाकर रब्ता ख़त्म किया और फिर टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोशन हाउस रब्ता कायम होते ही एक मौतबाना सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं इमरान बोल रहा हूँ, दारुल हुकूमत से डॉक्टर एहसान साहब से बात कराए। इमरान ने कहा होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो मैं डॉक्टर एहसान बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद डॉक्टर एहसान की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब मैं इमरान बोल रहा हूँ, आपके साथ दिमाग से जो माहरीन यहाँ आए हैं क्या वो आपके पास ठहरे हुए हैं? इमरान ने कहा और नहीं, सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से वो दारुल हुकूमत में ही ठहरे हुए हैं, मैंने उन्हें वहाँ डॉक्टर परवेज़ साहब की रहाइशगाह पर भी ठहराया हुआ है। वैसे भी ये डॉक्टर परवेज़ साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी क्योंकि उन सब के डॉक्टर परवेज़ साहब से इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर एहसान ने कहा डॉक्टर साहब जिन गैर मुल्की एजेंटों ने आपकी वालिदा हमशीरा भांजे और भांजी को शहीद किया है, मैं उनका सुराग लगाने के लिए दिमाग पहुँच गया था। उन्होंने आपके भांजे से आपका फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था और फिर इस फ़ोन नंबर के ज़रिए उन्होंने सारबान कॉलोनी की वो रहाइशगाह तलाश कर ली थी जहां आप ठहरे हुए हैं, इसीलिए वो आपके पीछे दिमाग पहुंच गए। लेकिन आप इस दौरान यहां आ चुके थे, इसीलिए वो अब आपके पीछे यहां आए हैं और लामहाला उन्होंने कोशिश करनी है किसी तरह आपका और इस ग्रुप के शुरका का खात्मा कर सकें, और हमने उन्हें बहरहाल गिरफ्तार करने का काम करना है, इसीलिए पूछा था। इमरान ने कहा ओ वेरी सैड, ऐसा ना हो कि वो काल कुल हवानी के दौरान कोई गड़बड़ करें। डॉक्टर एहसान ने घबराए हुए लहजे में कहा ओ ऐसी बात नहीं है, कुल हवानी के दौरान तो तमाम आला हुकाम भी वहाँ मौजूद होंगे और पुलिस का हिफाजती दस्ता भी होगा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी खुफिया तौर पर वहाँ मौजूद होगी, इसीलिए वहाँ वो किसी गलत हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि वो शायद वहाँ आए ही ना। अलबत्ता कुल हवानी से पहले या कुल हवानी के बाद जब ग्रुप दारुल हुकूमत पहुंचे तो कोई हरकत करें, इसीलिए चीफ ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आप ही और आपके साथियों की फुल प्रूफ हिफाजत करूं। इमरान ने कहा आपका और आपके चीफ का बेहद शुक्रिया, लेकिन वो कल रात यहां से चले जाएंगे, आप अपने मुल्क और मुझे तो अभी एक माह तक नीलमगढ़ में ही रहना होगा। डॉक्टर एहसान ने कहा आप बेफिक्र रहें डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी और आपके साथियों की हिफाजत फरमाए, आप कतई बेफिक्र रहें, इन एजेंटों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप उससे इत्तेफाक करें तो मैं बता दूं। इमरान ने कहा हाँ ज़रूर बताएं इमरान साहब। डॉक्टर एहसान ने कहा आप कुल हवानी के मौके पर खुलेआम ऐलान कर दें कि अब आप मुस्तकिल तौर पर यहाँ पाकिस्तान में ही रहेंगे और जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे अब उस पर काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन सफ़ाकाना हलाकतों की वजह से आपका जहन मुंतशिर हो गया है, और अपने साथियों को भी फ़ोन करके कह देंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। इमरान ने कहा यह कैसे हो सकता है कि मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाऊं जिस पर मुस्लिम वर्ल्ड के शानदार मुस्तकबिल का इन्हिसार है? डॉक्टर एहसान ने हैरत भरे लहजे में कहा डॉक्टर साहब मसला ये है कि आप फौरी तौर पर अब जाहिर है इस मनसूबे पर काम नहीं हो सकता और आपकी हिफाजत तो यहाँ कर ली जाएगी, लेकिन आपके साथियों की हिफाजत दूसरे ममालिक में इस अंदाज़ में नहीं हो सकेगी जिस अंदाज़ में आपकी होगी, और अक्रीमिया की रेड एजेंसी बेहद ताकतवर एजेंसी है, आपके पास एजेंटों की भी कमी नहीं है, वो हर मुल्क में आपके साथियों के खिलाफ बैकअप ऑपरेशन भी कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा ना हो कि आपके सारे साथियों के साथ कुछ हो जाए तो फिर भी ये मंसूबा रुक जाएगा, जबकि मैं इस तरह रेड एजेंसी तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने ये मंसूबा तर्क कर दिया है, इस तरह आपके साथी हलाक होने से बच जाएंगे और बाद में खुफिया तौर पर किसी भी जगह आप सब इकट्ठे होकर ये काम कर सकते हैं। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा नहीं इमरान साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथियों ने इससे यकसर इनकार कर देना है, हम सब दिलो जान से यही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और हमने तीन चौथाई काम भी मुकम्मल कर लिया है क्योंकि दिमाग में हमने दिन रात काम किया है। डॉक्टर एहसान ने दो टोक लहजे में जवाब देते हुए कहा तो फिर एक काम करें, आला तरीन मकसद के लिए आप कुल हवानी के बाद इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू कर दें ताकि जल्द अज जल्द ये मनसूबा मुकम्मल हो सके, मैं आपका और आपके साथियों की हिफाजत का फुल प्रूफ इंतजाम कर दूंगा। इमरान ने कहा नहीं फौरी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जहन फौरी तौर पर काम नहीं कर सकेगा, आई एम वेरी सॉरी। डॉक्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा ओके ठीक है जैसे आप कहें, बहरहाल मैंने तो अपना काम करना है, बाकी अल्लाह ताला को बेहतरी मंजूर होगी। इमरान ने कहा मुझे यकीन है इमरान साहब कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। डॉक्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा डॉक्टर परवेज़ साहब की रहाइशगाह कहाँ है और उनकी रहाइशगाह का फ़ोन नंबर भी बता दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से तफसीलात और फ़ोन नंबर बता दिया गया। ठीक है शुक्रिया अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। डॉक्टर एहसान साहब फर्जी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ब्लैक सीरो ने कहा हाँ चूँकि ये मनसूबा उनकी नुक्ते नज़र से मुस्लिम वर्ल्ड के मुस्तकबिल को शानदार बनाने का है, इसीलिए वो पूरे हलूस से इससे वाबस्ता हो चुके हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक सीरो ने इस बात पर सर हिला दिया। तुम जुलिया से कहकर नुमानी और जहान दोनों को डॉक्टर परवेज़ की रहाइशगाह पर भिजवा दो ताकि वो उसकी निगरानी करते रहें, वैसे फौरी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता।
और हाँ मैं खुद भी वहाँ जाऊँगा, वहाँ हमने निगरानी करनी है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही वोट खड़ा हुआ तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और वो भी एहतरामन उठ खड़ा हुआ। इमरान तेज़ी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। नीलमगढ़ छोटे कस्बे में इस वक्त अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही थी, हर तरफ कारें ही कारें नज़र आ रही थी। दारुल हुकूमत के तकरीबन तमाम आला हुकाम वहाँ पहुँचे हुए थे, हत्ता के सदर मुमलिकत बजाते खुद भी डॉक्टर एहसान की वालिदा हमशीरा और भांजी की कुल्हवानी की रस्म में शरीक होने के लिए नीलमगढ़ पहुँचे थे, इसलिए यहाँ हर तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। कस्बे के खुले मैदान में टेंट और कनाते लगाकर इस मजहबी रस्म की अदायगी के इंतजाम किए गए थे, लेकिन आने वालों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि इतने वसी इंतजाम के बावजूद जगह की तंगी महसूस हो रही थी। दारुल हुकूमत का तकरीबन तमाम प्रेस भी वहाँ पहुँचा हुआ था, हत्ता के गैर मुल्की प्रेस के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। खवातीन के लिए रोशन हाउस में इंतजाम किए गए थे और वहाँ भी बेपनाह रश था। गोश्ती एक तरफ खामोश खड़ी थी, उसके गले में एक कीमती कैमरा लटका हुआ था। पुलिस ने उसका खसूसी कार्ड भी चेक किया था, लेकिन चूंकि कार्ड असल थे इसीलिए पुलिस ने मुतमईन होकर उसे यहाँ फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी थी। पुलिस ने प्रेस के नुमाइंदों को दूसरों से इम्तियाजी हैसियत देने के लिए सुर्ख रंग की मखसूस पट्टियाँ दी थी, जो सबने बाजुओं पर बांधी हुई थी। ऐसी ही एक पट्टी गोश्ती के बाजू पर भी मौजूद थी, उसने पहले खवातीन में जाकर फोटोग्राफी की थी और अब वो इस तरफ आई थी। उसकी तेज़ नज़रों ने डॉक्टर एहसान और उसके साथियों को बाहूबी चेक कर लिया था। डॉक्टर एहसान के साथी एक ही जगह पर इकट्ठे मौजूद थे। मजहबी रस्म अब इख्तिताम के करीब थी और गोश्ती को इल्म था कि किसी भी लम्हे ये रस्म ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए अब वो खामोश खड़ी इन लोगों को देख रही थी जो डॉक्टर एहसान के साथी थे। क्योंकि वो दिमाग में राहत के पास फिल्म देख चुकी थी, इसीलिए वो अब उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचान गई थी। फिर इस रस्म के अख्ताम का ऐलान कर दिया गया और लोग उठ खड़े हुए। वो सब डॉक्टर एहसान से मुआयना करके और उन्हें सब्र की तलकीन करके वापस जा रहे थे। सबसे पहले सदर मुमलिकत वापस चले गए, फिर एक एक करके बाकी आला हुकाम भी जाना शुरू हो गए, लेकिन डॉक्टर एहसान के साथ ही वहाँ इसी तरह मौजूद थे जैसे उन्होंने वापस ही ना जाना हो। अगर ये यहीं रहें तो ज़्यादा अच्छा है, रात को यहाँ ज़्यादा आसानी से काम किया जा सकता है, गोश्ती ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने उन्हें डॉक्टर एहसान समेत वापस जाते हुए देखा तो वो चौंक पड़ी और तेज़ी से इस तरफ को आ गई जहाँ कारें मौजूद थी। फिर एक स्टेशन वैगन की तरफ उन्हें बढ़ता हुआ उसने देख लिया, स्टेशन वैगन कारों के दरमियान फंसी हुई थी। उसका ड्राइवर वहीं मौजूद था जो उन्हें आते देख कर मुस्तैद हो गया। गोश्ती ने जैकेट की जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसकी मुट्ठी में एक मखसूस बटन मौजूद था। इस वक्त वो स्टेशन वैगन के अकब में मौजूद थी। फिर वो तेज़ी से झुकी और स्टेशन वैगन के बम्पर के अंदरूनी तरफ वो बटन चिपका दिया। वो इस अंदाज में लड़खड़ा कर झुकी थी जैसे उसका पैर अचानक मुड़ गया हो, वो वैगन के बम्पर का सहारा ले रही हो। फिर वो सीधी हुई और इत्मीनान से आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो काफ़ी फासले पर मौजूद अपनी कार तक पहुँच गई। उसने गले से कैमरा उतारकर उसे साइड सीट पर रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से वापस दारुल हुकूमत की तरफ बड़ी चली जा रही थी। उसे मालूम था कि ये लोग भी दारुल हुकूमत ही आएंगे। उसे यकीन था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान उनकी निगरानी कर रहे होंगे, इसलिए वो उनसे पहले दारुल हुकूमत पहुँच जाना चाहती थी। इस महसूस बटन की वजह से उसे यकीन था कि वो इस स्टेशन वैगन को चेक कर लेगी। फिर दारुल हुकूमत पहुंचकर उसने कार सड़क के किनारे रोकी और डैशबोर्ड खोलकर उसके अंदर मौजूद एक छोटा सा आला निकालकर डैशबोर्ड बंद कर दिया। इस रिपोर्ट नुमा आले पर बटन मौजूद थे, उसने दो बटन प्रेस किए तो आले पर एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर दारुल हुकूमत का नक्शा मौजूद था, उसने एक और बटन प्रेस किया तो उस नक्शे पर एक एक जगह सुर्ख रंग का नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा। तो गोश्ती समझ गई कि इस वक्त वो नक्शे पर इस जगह मौजूद है जहाँ ये नुक्ता जल बुझ रहा है। उसने डैशबोर्ड के ऊपर रख दिया और खुद इत्मीनान से बैठ गई। उसे मालूम था कि स्टेशन वैगन जैसे ही उसके करीब से गुजरेगी उसे इससे सीटी की आवाज़ सुनाई देगी और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वाकई स्टेशन वैगन उसकी कार के करीब से तेज़ी से गुजरी और साथ ही उसे आले में से एक लम्हे के लिए सीटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई, गोश्ती खामोश बैठी रही। वैसे तो गाड़ियाँ मुसलसल गुजर रही थी लेकिन वो खामोश बैठी हुई थी। फिर तकरीबन इस घंटे बाद आले में से एक बार फिर सीटी की आवाज़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। तो गोश्ती ने बिजली किसी तेज़ी से आला उठाया, उसके दो नंबर प्रेस किए। इन नंबरों के प्रेस होते ही स्क्रीन पर एक सुनहरे रंग का नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा। स्क्रीन पर जो नक्शा मौजूद था उस पर नंबर दर्ज थे। गोश्ती ने गौर से इस नंबर को देखा जिस पर यह नुक्ता जल बुझ रहा था। फिर उसने आले को साइड सीट पर रखा और डैशबोर्ड से एक तयशुदा कागज़ निकाल कर उसने इसे खोला और फिर उस पर झुक गई। कुछ देर बाद उसने एक जगह दायरा लगा दिया, स्टेट बैंक का लोनी, गोश्ती ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर कागज़ तय करके उसे वापस डैशबोर्ड में रखा और आले को उठाकर उसने एक और बटन प्रेस कर दिया। फिर इत्मीनान से कार स्टार्ट करके वो आगे बढ़ गई। तकरीबन 19 घंटे बाद वो स्टेट बैंक का लोनी में दाखिल हो गई। उसने आला उठाकर इसका एक और बटन प्रेस किया, फिर आले को साइड सीट पर रख कर उसने कार को आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनी की सड़कों पर घुमाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही उसकी कार एक सड़क पर मुड़कर आगे बढ़ी अचानक आले में से सीटी की आवाज़ निकली तो गोश्ती ने झपट कर आला उठाया। उस पर ना सिर्फ एक नुक्ता जल बुझ रहा था बल्कि साइड पर एक तीर का निशान भी नज़र आ रहा था। उसने तीर के निशान के मुताबिक दाएं तरफ देखा, कार उसने और ज़्यादा आहिस्ता कर ली थी। फिर उसकी नज़रें एक बड़ी कोठी पर जम गई, उसने कार आगे ले जाकर रोकी और फिर कोठी के मेन गेट के बिल्कुल करीब से गुजरी तो फिर एक आले में से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो गोश्ती ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि अब ये बात तय हो चुकी थी कि वो स्टेशन वैगन जो माहरीन को नीलमगढ़ से लेकर आई थी इस कोठी में है। कोठी के स्तून पर डॉक्टर परवेज की नेम प्लेट मौजूद थी। उसने कोठी का नंबर देखा और कार आगे बढ़ा ले गई।
काफी फासले पर जाकर उसने कार एक पार्किंग में रोकी और फिर जेब से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख का ट्रांसमीटर निकालकर उसने उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो जी कॉलिंग एच ओवर, गॉस्टी ने बार बार कॉलिंग देते हुए कहा। यस एच अटेंडिंग यू ओवर, चंद लम्हों बाद हावर्ड की आवाज़ सुनाई दी। स्टेट बैंक कॉलोनी कोठी नंबर 18 ए ब्लॉक ओवर, गॉस्टी ने कहा। कन्फर्म है ये ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस ओवर, गॉस्टी ने जवाब दिया। ओके तुम वहीं रुको, मैं लारक के साथ आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। तो गॉस्टी ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। फिर तकरीबन इस घंटे बाद एक सियारंग की कार उस पार्किंग में दाखिल हुई जिसमें गॉस्टी की कार भी मौजूद थी और कार रुकते ही हावर्ड और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बाहर आ गया। गॉस्टी भी कार से उतर आई। वो लोग अंदर है ना, हावर्ड ने कहा। हाँ, गॉस्टी ने जवाब दिया। ओके लारक अब फाइनल कार्रवाई का कौशन दे दो, हावर्ड ने अपने साथ मौजूद आदमी से मुहातिब होकर कहा। आम आदम गॉस्टी की कार में वापस चले जाएं ताकि जब कार्रवाई हो तो आपकी यहाँ मौजूदगी माफ ना हो सके, अब बहरहाल गैर मुल्की है, लारक ने कहा। ठीक है हम तुम्हारी रहाइश गाह पर चले जाते हैं, हावर्ड ने कहा। ओके लारक ने कहा। तो हावर्ड ने गॉस्टी को इशारा किया और वो दोनों कार में पहुंच गए। इस बार ड्राइविंग सीट पर हावर्ड था जबकि साइड सीट पर गॉस्टी बैठी हुई थी। कार पार्किंग से निकली और फिर कॉलोनी से बाहर आ गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक और रहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई। फिर हावर्ड ने कार एक वसी और अरीज कोठी के गेट के सामने जाकर रुकी और तीन बार महसूस हॉर्न दिया तो साइड गेट खुला और एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर आ गया। फाटक खोलो टोनी, हावर्ड ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। और यस सर, इस नौजवान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद बड़ा फाटक खुला और हावर्ड कार अंदर ले गया। उसने कार पोस्ट में रोक दी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। उसी लम्हे में बरामदे की सीढ़ियाँ उतरता हुआ एक भारी जिस्म का आदमी उनकी तरफ आ गया। हम यहाँ लारक का इंतजार करना है, हावर्ड ने इस आने वाले आदमी से कहा। आइए इस आदमी ने कहा और वो वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक सिटिंग रूम के अंदाज में सजाए गए कमरे में मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें दूर से कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। लारक आ गया है शायद, गॉस्टी ने कहा। तो हावर्ड ने इस बात पर सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद लारक अंदर दाखिल हुआ। हावर्ड और गॉस्टी का चेहरा देखकर ही समझ गए कि वो कामयाब वापस आया है। क्या खबर है लारक, हावर्ड ने कहा। विक्ट्री 100% विक्ट्री, लारक ने मुसरत भरे लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गया। तफसील बताओ, हावर्ड ने कहा। आपके जाने के बाद मैंने अपने ग्रुप को कॉल कर लिया, वो पहले ही करीबी इलाके में मौजूद थे। उन्होंने चंद लम्हे में इस कोठी पर चारों तरफ से मिसाइलों की फायरिंग करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उसके बाद वो सब तेज़ी से निकल गए। मैं भी वहाँ से निकल आया और करीब ही एक जगह रुक गया। फिर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जब वहाँ पहुँची तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। कोठी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, फिर मलबा हटाया जाने लगा। वहाँ चूँकि बेशुमार लोग इकट्ठे हो चुके थे इसलिए मैं भी वहाँ मौजूद रहा। फिर मालूम हुआ कि अंदर मौजूद 10 अफराद हलाक हो गए हैं, उनकी कट्टी पट्टी लाशें मिल गई हैं जिनमें कोठी के मालिक डॉक्टर परवेज़ की लाश भी शामिल है। वो लाशें अब कहाँ हैं, हावर्ड ने कहा। लाशें इस वक्त सेंट्रल हस्पताल में होंगी क्योंकि जाहिर है कानूनी तौर पर उनका पोस्टमार्टम होगा, लारक ने कहा। क्या किसी तरह हम वहाँ इन लाशों को देख सकते हैं, हावर्ड ने कहा। मेरा यॉर्क टाइम्स का कार्ड काम दे सकता है, गॉस्टी ने कहा। हो हाँ, लेकिन इस तरह सिर्फ तुम ही जा सकोगी, हावर्ड ने कहा। वहाँ आम लोगों की तहवील में होंगी ये लाशें, उन्हें भारी रिश्वत देकर चेकिंग हो सकती है, ये कोई मसला नहीं है, लारक ने कहा। तो फिर इसका इंतजाम करो, मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ ताकि फिर चीफ को रिपोर्ट दी जा सके, हावर्ड ने कहा। तो लारक सर हिलाता हुआ उठा और तेज से कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कट्ठी पट्टी लाशें कैसे पहचानी जाएंगी, गॉस्टी ने कहा। कुछ ना कुछ तो आइडिया हो जाएगा और 6 अफराद मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदे हैं, हावर्ड ने कहा। क्या तुम्हें शक है कि वो लोग अंदर मौजूद नहीं होंगे, हालांकि मेरा ख्याल है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है, गॉस्टी ने कहा। मुझे मालूम है लेकिन तुम मेरी आदत तो जानती हो कि मैं चीफ को रिपोर्ट देने से पहले हर पोजीशन को खुद कंफर्म करता हूँ, हावर्ड ने कहा। तो गॉस्टी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद लारक सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। आइए जनाब, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, लारक ने कहा। वो दोनों उठ खड़े हुए। चंद लम्हों बाद वो कारों में बैठे कोठी से निकले और मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक अस्पताल में पहुंच गए। ये काफ़ी बड़ा अस्पताल था लेकिन लारक का एक आदमी वहाँ पहले से मौजूद था। उसकी रहनुमाई में चलते हुए आखिरकार एक ऐसे कमरे में पहुँच गए जो शायद मुर्दाखाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये बड़ा हॉल कमरा था जिसके बाहर दो पुलिस मैन मौजूद थे लेकिन लारक के आदमी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा करके वो अंदर दाखिल हो गया। पुलिस मैन खामोश खड़े रहे लारक के आदमी के पीछे, लारक इसके बाद हावर्ड और आहर में गॉस्टी अंदर दाखिल हुई। हॉल में काफ़ी तादाद में लाशें मौजूद थी जिन्हें सफ़ेद रंग के कपड़ों से ढांपा गया था। एक तरफ मेज़ पर 10 अफराद की लाशें पड़ी हुई थी। ये सब लाशें हैं जनाब, डॉक्टर परवेज़ की कोठी से आने वाली लाशें, लारक के आदमी ने कहा। इनके चेहरे से चादरें हटाओ, हावर्ड ने कहा। तो इस आदमी ने आगे बढ़कर उनके चेहरों से चादरें हटा दी। तो हावर्ड और गॉस्टी दोनों गौर से इन लाशों को देखते रहे। हावर्ड और गॉस्टी के चेहरों पर कामयाबी की चमक उभर आई थी क्योंकि इन 10 लाशों में इन 6 अफराद की लाशें भी मौजूद थीं जो डॉक्टर एहसान के साथ मिलकर मुस्लिम करेंसी के सिलसिले में काम कर रहे थे। डॉक्टर परवेज़ की लाश कौन सी है, हावर्ड ने कहा। तो लार्क के एक आदमी ने एक लाश की तरफ इशारा कर दिया। गॉस्टी तुम्हारे पास S3S कैमरा है, उनमें से इनका फिल्म बना लो, हावर्ड ने कहा। तो गॉस्टी ने कंधे से लटका हुआ बैग उतारा और उसमें से एक छोटा सा कैमरा निकाल लिया। फिर उसकी मदद से उसने पहले इस हॉल कमरे की और फिर इन लाशों की फिल्म बनानी शुरू कर दी।
आखिर में उसने एक एक लाश का क्लोजअप भी लिया और फिर कैमरा ऑफ करके उसने वापस बैग में डाल लिया। ठीक है आओ चलें, हावर्ड ने कहा। तो लारेंस ने जेब में बड़ी मालियत के नोटों की एक गड्डी निकाली और इस आदमी को पकड़ा दी। शुक्रिया जनाब, इस आदमी ने गड्डी को जल्दी से अपने कोट की जेब में डालते हुए कहा। ख्याल रखना किसी को ये मालूम ना हो सके कि हमने उन्हें चेक किया है, हावर्ड ने कहा। और नहीं जनाब, यहाँ तो सरकारी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल ही नहीं हो सकता, इस आदमी ने कहा। और इसके साथ ही उसने एक एक करके सब लाशों के चेहरे चादरों से ढांपे और वो सब दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब तो आप मुतमईन हैं जनाब, लारक ने कार अस्पताल से बाहर निकालते हुए कहा। हाँ तुमने वाकई काम किया है, मैं चीफ से खसूसी तौर पर तुम्हारी सिफारिश करूंगा, हावर्ड ने कहा। तो लारक ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और थोड़ी देर बाद उनकी कार वापस लारक की कोठी पहुँच गई। क्या यहाँ महफूज फ़ोन मौजूद है, हावर्ड ने कहा। हाँ नीचे तहखाने में है, आइए, लारक ने कहा। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर एक तहखाने में पहुँच गया। ये तहखाना ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। लारक ने कलमारी से फ़ोन निकाला और उसे मेज़ पर रखकर उसका रबता दीवार में मौजूद एक फ़ोन सॉकेट से जोड़ दिया। ये खसूसी फ़ोन है जनाब, आप बेफिक्र होकर कॉल करें, लारक ने कहा। तो हावर्ड ने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रबता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हावर्ड बोल रहा हूँ बॉस, हावर्ड ने कहा। ओ यस, तुम डक्सन बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है, दूसरी तरफ से चौंककर कहा गया। तो हावर्ड ने गोस्टी के नीलमगढ़ तक जाने और फिर खसूसी निगरानी से लेकर कोठी के मिजाइलों के उड़ाने और फिर अस्पताल जाकर लाशों की शिनाख्त करने की तफसील बता दी। वेरी गुड, तुमने ये चेकिंग करके अच्छा किया, वरना इस इमरान के बारे में मशहूर है कि वह ऐसी शातिराना चालें चलता है कि बज़ाहिर कामयाबी आखिर में नाकामी में तब्दील हो जाती है, लेकिन तुमने ये चेकिंग कर ली है कि लाशों के चेहरों पर मेकअप नहीं था, डक्सन ने कहा। बास मलबे में दबकर कटी पटी लाशों के चेहरे असल हालत में थे ही नहीं कि अगर मेकअप होता तो लामहाला मालूम हो जाता। वैसे मैंने इस दुखदा नज़र से भी एक एक लाश को गौर से देखा है, वो सब असल चेहरे में थे, हावर्ड ने कहा। तुम ऐसा करो कि वो फिल्म जो गोस्टी ने तैयार ही है लारक के ज़रिए मुझे भिजवा दो और तुम होता भी वहीं रहो, इस फिल्म की हतमी चेकिंग के बाद मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा। वैसे तुमने लारक की रिहाइशगाह से बाहर नहीं जाना क्योंकि अब इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस सूरत हाल की बिना पर तुम्हें ट्रेस करने की भरपूर कोशिश करेगी, लारक से मेरी बात कराओ, डक्सन ने कहा। यस बॉस, मैं लारक बोल रहा हूँ, लारक ने हावर्ड के हाथ से रिसीवर लेते हुए कहा। लारक, तुम्हारी कारकर्दगी वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन तुमने जिस ग्रुप के जरिए कोठी तबाह कराई है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाजमन इस ग्रुप को ट्रेस कर लेगी, इसीलिए तुम इस ग्रुप का खात्मा कर दो फौरी तौर पर ताकि तुम तक कोई ना पहुँच सके, डक्सन ने कहा। नहीं बास, वो बहुत बड़ा और ताकतवर ग्रुप है, इसलिए इसका खात्मा नामुमकिन है। वैसे आप बेफिक्र रहें, मैंने पहले ही इस पॉइंट को मद्देनजर रखकर काम किया है, एक थर्ड पार्टी के जरिए बुकिंग हुई है और रकम दी गई है। वो मेरे बारे में जानते ही नहीं और थर्ड पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि उसे किसी भी सूरत में चेक नहीं किया जा सकता, लारक ने कहा। फिर ठीक है, फिर भी बहरहाल तुमने मुहतात रहना है, डक्सन ने कहा। यस बास, लारक ने कहा और दूसरी तरफ से रबता खत्म हो जाने पर उसने रिसीवर रख दिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हस्ब आदत उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, एक बुरी खबर है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्या हुआ, इमरान ने चौंक कर कहा। डॉक्टर परवेज़ की कोठी मिसाइलों से तबाह कर दी गई है, डॉक्टर परवेज समेत 6 माहरीन मौशा जो वहाँ मौजूद थे हलाक हो गए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओ, इतनी जल्दी, ओ वेरी सैड, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी ये कार्रवाई कर देंगे, वेरी सैड, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोशन हाउस रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर एहसान से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। जी अच्छा, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर एहसान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर एहसान की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर एहसान, वो आपके साथी माहरीन वहाँ मौजूद हैं या नहीं, इमरान ने कहा तो सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। जी मौजूद हैं, क्यों, दूसरी तरफ से कहा गया। अब वो मुस्लिम करंसी के मंसूबे के खात्मे का ऐलान करने वाली बात खत्म हो गई है क्योंकि आपके साथियों के मेकअप में जिन लोगों को दारुल हुकूमत भिजवाया गया था उन्हें दुश्मन एजेंटों ने हलाक कर दिया है, इमरान ने कहा। हलाक कर दिया है कब, कैसे, डॉक्टर एहसान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अभी मुझे इत्तला मिली है कि डॉक्टर परवेज़ की रहाइशगाह को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है और इन 6 माहरीन के साथ साथ डॉक्टर परवेज़ साहब भी हलाक हो गए हैं। मुझे ज़ाती तौर पर उनकी हलाकत पर इंतहाई अफसोस है क्योंकि मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि इस कदर जल्दी ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि कल जब स्टेट बैंक सेक्रेटरीट में खसूसी मीटिंग के बाद ऐलान किया जाएगा तब शायद वो लोग हरकत में आए, लेकिन उन्होंने पहले ही वारदात कर डाली है, इमरान ने कहा। ओ, फिर तो आपकी प्लानिंग की वजह से मेरे साथी बच गए हैं। मुझे इन लोगों की मौत पर बेहद अफसोस है जो उनकी जगह हलाक हुए हैं। डॉक्टर परवेज़ साहब भी पाकिस्तान का सरमाया थे, लेकिन अगर मेरे साथी हलाक हो जाते तो मुस्लिम करंसी का ये मंसूबा यकीनन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता और ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा अलमिया होता। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, डॉक्टर एहसान ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। डॉक्टर साहब, मुझे भी ज़ाती तौर पर इन लोगों की इस अंदाज़ में हलाकत पर दिली सदमा पहुँचा है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा, लेकिन आपने उन्हें वहीं रोकना है जब तक मैं खुद उनसे आकर ना मिल लूँ, इमरान ने कहा। लेकिन क्या अब आप बाकायदा उनकी मौत का ऐलान कराएंगे, ऐसी सूरत में तो उन सब के अहले खानदान बेहद परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर एहसान ने कहा।
टेड एजेंसी जिसने सारी कार्रवाई की है सिर्फ इस बात पर इक्तफा करके नहीं बैठ जाएगी कि माहरीन हलाक हो चुके हैं। उनके जहनों में मौजूद शक को पूरी तरह खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि आपके साथियों के खानदानों को असल हकीकत का इस वक्त तक इल्म ना हो सके, जब तक कि चंद रोज ना गुजर जाए, क्योंकि बहरहाल आपके सब साथी बहुत ही मारूफ लोग हैं। इसीलिए रेड एजेंसी और अग्रीमियन हुकाम लामहाला इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या वाकई आपके साथी ही हलाक हुए हैं सबके खानदानों को बाकायदा मॉनिटर करेंगे। इस तरह वक्ती तौर पर आपके साथियों के खानदानों को वाकई शदीद सदमा पहुंचेगा, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के मजमूई मफादात के सामने ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आपको भी बहरहाल अपने साथियों के जनाजों में शिरकत करना होगी और बिल्कुल फितरी अंदाज अपनाना होगा, इमरान ने कहा। वो लोग मुझे भी हलाक करने की कोशिश पूरी करेंगे, डॉक्टर एहसान ने कहा। हाँ वाकई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है आप भी अपने साथियों के साथ ही रहेंगे, आपकी जगह मेरा आदमी ले लेगा, मेरे तमाम इंतजाम मुकम्मल करके आपसे और आपके साथियों से मिलूंगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथी अपने खानदानों और बच्चों के लोगों को असल हकीकत बता दें और साथ ही उन्हें कह दें कि वो ऐसा जाहिर करें जैसा आप चाहते हैं, डॉक्टर एहसान ने कहा। नहीं, ऐसी सूरत में रद्द अमल फितरी नहीं होगा और मॉनिटर करने वाले एक लम्हे में सारी सूरत हाल समझ जाएंगे और एक बार फिर आपकी और आपके साथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जबकि चंद रोज़ की तकलीफ के बाद वो लोग हर लिहाज से मुतमईन हो जाएंगे। फिर इस मंसूबे को मुकम्मल करके अचानक इसका ऐलान कर दिया जाएगा, इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेंगे, इमरान ने कहा। ठीक है जैसे आप कहें, अब और क्या कहा जा सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने अल्लाह हाफिज़ कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया। ये आपने क्या किया था, कौन लोग थे इन माहरीन के मेकअप में जो बेचारे हलाक हो गए, ब्लैक सीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये आपने क्या किया था, कौन लोग थे इन माहरीन के मेकअप में जो बेचारे हलाक हो गए, ब्लैक सीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे ज़ाती तौर पर उनकी हलाकत पर वाकई बेहद अफसोस हुआ है, असल में मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, मुझे खतरा था कि ये माहरीन किसी भी लम्हे हलाक किए जा सकते हैं, और ये माहरीन मुआशियात इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हैं और सूरत हाल ये थी कि फौरी तौर पर इस मनसूबे पर काम भी नहीं हो सकता था और इन लोगों ने अपने अपने मुल्क वापस जाना है, और रेड एजेंसी अगर उन्हें यहाँ हलाक नहीं कर सकती तो लामहाला वो उनके मुल्कों में एक एक करके उन सबका खात्मा कर सकती थी, इस तरह मुस्लिम करेंसी का मनसूबा लामहाला ख़त्म हो जाता और हम किसी भी तरह उनकी निगरानी तवील अरसे तक नहीं कर सकते थे। उस पर मैंने मनसूबा बंदी की, डॉक्टर एहसान को एक माह चाहिए था, एक माह बाद उन्होंने दोबारा उस पर काम करना था, चुनाचे मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल शहबाज से बात की। मेरा मनसूबा यह था कि एक माह के लिए इन माहरीन की जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग ले लें, क्योंकि आम लोगों की निस्बत बहरहाल ये तरबियत याफ्ता अफराद होंगे, इसीलिए आसानी से मार नहीं खा सकेंगे, जबकि एक माह तक इन माहरीन को हम मंजरे आम पर नहीं आने देंगे। मेरे इस मनसूबे से कर्नल शहबाज ने इत्तेफाक किया, उस पर मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में से ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो कदोकामत के लिहाज से इन माहरीन जैसे थे, और फिर मैंने खुद उनका ऐसा मेकअप किया जिसे किसी सूरत भी चेक नहीं किया जा सकता था। असल माहरीन पहले डॉक्टर परवेज़ की रहाइश कहाँ पर थे, वहीं ये तब्दीली अमल में लाई गई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद को वहाँ पहुँचाकर असल माहरीन को खुफिया तौर पर निकालकर नीलमगढ़ पहुँचा दिया गया। फर्जी माहरीन डॉक्टर परवेज़ की रहाइशगाह से एक वैगन में नीलमगढ़ पहुँचे और कुल हुआनी पर शिरकत करके वो वैगन के जरिए वापस डॉक्टर परवेज़ की रहाइशगाह पर पहुँच गए, जबकि इस दौरान मैंने वहाँ चेकिंग की, लेकिन मुझे एतराफ़ है कि बावजूद कोशिश के हम हावर्ड को वहाँ ट्रेस नहीं कर सके, वहाँ गैर मुल्की भी मौजूद थे और गैर मुल्की प्रेस भी मौजूद था, और ये बात भी तयशुदा है कि वापसी पर इस वैगन की निगरानी ना कराई गई और ना उसका ताकुब किया गया। सफदर और कैप्टन शकील इस वैगन को चेक कर रहे थे, जब वैगन डॉक्टर परवेज़ की कोठी में दाखिल हो गई तो ये दोनों वापस आ गए। मेरा भी प्रोग्राम था कि कल स्टेट बैंक सेक्रेटरीट में खसूसी मीटिंग कराकर मुस्लिम करेंसी के मनसूबे को नाकाबिल अमल करार दे दिया जाए और इसका ऐलान कर दिया जाएगा, फिर फर्जी माहरीन अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाएंगे, फिर एक माह बाद खुफिया तौर पर यहाँ डॉक्टर एहसान और माहरीन काम करते रहेंगे और फिर अचानक मुस्लिम करेंसी के मनसूबे का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक उसे फौरी तौर पर अपनाने का ऐलान कर देंगे। लेकिन हार्वर्ड वगैरह ने तेजी दिखाई और फौरी तौर पर डॉक्टर परवेज़ की कोठी को मिसाइलों से उड़ा दिया गया। इस तरह डॉक्टर परवेज़, उनके मुलाजिम और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद हलाक हो गए, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। आपने मुझे इस मंसूबे की हवा तक नहीं लगने दी, ब्लैक सीरो ने कहा। अब मैं आया तो इसी मकसद के लिए था, लेकिन यहाँ पहुँचने पर तुमने ये अफसोसनाक खबर सुना दी, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यह रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी, कर्नल शहबाज साहब से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो कर्नल शहबाज बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद कर्नल शहबाज की बावकार आवाज़ सुनाई दी। कर्नल साहब मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, आप तक यकीनन डॉक्टर परवेज़ की रहाइश गाह पर मिज़ाइलों के हमले की इत्तला पहुँच चुकी होगी। मुझे ज़ाती तौर पर डॉक्टर परवेज़ और आपके आदमियों की इस तरह हलाकत पर बेहद अफसोस है, अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे, मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि यह कार्रवाई इतनी जल्दी हो जाएगी, वरना शायद ऐसा ना होता, इमरान ने कहा। इमरान साहब, बड़े कामों के लिए कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं, मुझे अपने आदमियों की हलाकत पर अफसोस ज़रूर हुआ है, लेकिन बहरहाल इत्मीनान का मौजब है कि आपकी प्लानिंग की वजह से असल माहरीन बच गए हैं, वरना उनकी जगह अगर माहरीन हलाक हो जाते तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाता, कर्नल शहबाज ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, बहरहाल फिर भी मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस है,
और मैं आपके ज़रिए इन ख़ानदानों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ चीफ़ X2 का भी पैगाम है कि अगर आप चाहें तो चीफ़ उनके ख़ानदानों के लिए ख़ुसूसी मराहत के अहकाम दे दें, इमरान ने कहा। चीफ का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे आदमी थे और हम उनके ख़ानदानों को खुद ही कवर करेंगे। उन लोगों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बहरहाल उनके ख़ानदानों को उनकी सिर्फ जिस्मानी कमी महसूस होगी और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ हम खुद कर लेंगे, गणेश शहबाज ने कहा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फ्रेड एजेंसी के इन एजेंटों का हाथमा भी ज़रूरी है और इन लोगों का भी जिन्होंने ये मिज़ाइल फायर किए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर अपनी तरफ खिसकाया, फिर उस पर ट्राइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। टाइगर अटेंडिंग यू बास ओवर, थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ मौजूद हो, इमरान ने पूछा। रेड क्लब में बास ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। स्टेट बैंक कॉलोनी में डॉक्टर परवेज़ की कोठी को मिसाइलों से तबाह किया गया है, जिसकी वजह से 6 बैनुल-अक़वामी माहरीन मौशियात भी हलाक हो गए हैं। तुम मालूम करो कि ये किस ग्रुप का काम है, ओवर, इमरान ने कहा। यस बास ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया, एक पार्टी है लारक ग्रुप, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, ओवर, इमरान ने कहा। यस बास, लारक एग्रीमियन है और बड़े बड़े कामों में ही हाथ डालता है, ओवर, टाइगर ने कहा। इस लारक को भी चेक कराओ, हो सकता है कि इस फायरिंग के पीछे उसका ही हाथ हो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब मुझे इन फर्जी माहरीन की लाशें उनके मुल्कों तक पहुंचानी है। डॉक्टर एहसान और उन माहरीन को किसी खसूसी जगह पर शिफ्ट करने के इंतजाम करने होंगे, इसीलिए अब तुमने टाइगर से रिपोर्ट लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो जो उसके उठते ही उठ खड़ा हुआ था, उसने इस बात में सर हिला दिया। हावर्ड और गॉस्टी को पाकिस्तान से क्रीम में आए हुए तीसरा रोज़ था, वो पाकिस्तान से पहले काफ्रिस्तान और फिर काफ्रिस्तान से यहाँ पहुँचे थे। चीफ से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी और चीफ ने उन्हें इस वक्त तक महदूद रहने का हुक्म दिया था, जब तक कि वो उन्हें दोबारा कॉल ना करे, और आज उन्हें तीसरा रोज़ था, लेकिन अभी तक चीफ ने उन्हें दोबारा कॉल नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि चीफ के आदमी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो हतमी तौर पर यह मालूम करना चाहता है कि इन माहरीन की मौत का रद्द अमल क्या है, और इस रद्द अमल को देखकर चीफ आइंदा का लायमल तय करेगा, हावर्ड ने कहा। मेरा ख्याल है कि चीफ को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान से खतरा है कि कहीं वो इंतकाम लेने यहाँ ना पहुँच जाए, इसलिए चीफ ने हमें यहाँ तक रहने का कहा है, गॉस्टी ने कहा। इमरान को मालूम नहीं हो सका कि ये वारदात किसने की है, वरना वो हमें पाकिस्तान से ही निकलने ना देता, वो इस टाइप का आदमी है, और ये भी हो सकता है कि वो इसलिए भी खामोश हो गया कि पाकिस्तानी माहरे मौशियात डॉक्टर एहसान जिंदा है, जो लोग हलाक हुए हैं वो पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं थे, हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा। इस डॉक्टर एहसान का भी हाथमा होना चाहिए, क्योंकि वही माहरीन को इकट्ठा करके इस मंसूबे पर काम कर रहा था, गॉस्टी ने कहा। चीफ के जहन में ये सारी बातें मौजूद होंगी, वो भी इमरान की तरह गहराई में सोचने का आदी है, हावर्ड ने कहा। फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, तो हावर्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हावर्ड ने कहा, डक्सन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रेड एजेंसी के चीफ डक्सन की आवाज़ सुनाई दी। और यस बास, आपकी कॉल के तो हम इंतहाई बेचैनी से मुंतजिर थे, हावर्ड ने कहा। कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका था, अब पहले तुम मेरे पास आओ ताकि तफसील से बात हो जाए, इसके बाद तुम बेशक तफरी के लिए किसी जजीरे पर चले जाना, डक्सन ने कहा। शुक्रिया बास, हम अभी पहुँच रहे हैं, हावर्ड ने मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो चीफ की आदत जानता था, वो तफरी की बात इस वक्त करता था जब वो मिशन की तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो जाता था, और फिर तफरी का तमाम खर्चा भी वो एजेंसी पर डाल देता था। इसका मतलब है कि चीफ इस मिशन से पूरी तरह मुतमईन हो गया है, गॉस्टी ने जो लाउडर पर चीफ की बात सुन रही थी ने चहकते हुए लहजे में कहा। हाँ आओ, हावर्ड ने उठते हुए कहा, और गॉस्टी भी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद उनकी कार वेलिंगटन की फ्राक सड़कों पर दौड़ती हुई रेड एजेंसी के हेडक्वार्टर की तरफ बड़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो डक्सन के ऑफिस में मौजूद थे। वो ऑफिस में दाखिल हुए तो मेज़ के पीछे बैठा हुआ चीफ उन्हें देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। खुशामदी, तुम दोनों ने इस बार जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो वाकई काबिले कदर है, चीफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। आपका शुक्रिया चीफ, ये सब कुछ आपकी रहनुमाई की वजह से हुआ है, हावर्ड और गॉस्टी ने बारी बारी जवाब देते हुए कहा। बैठो, चीफ ने कहा, तो वो दोनों मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने तुम्हें इसीलिए तुम्हारी रहाइशगाह तक महदूद कर दिया था कि मुझे अच्छा था कि इमरान लामहाला तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करेगा, और दूसरी बात यह कि मैं पाकिस्तान में इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का रद्दअमल भी देखना चाहता था, और ये भी चेक करना चाहता था कि क्या वाकई माहरीन हलाक हुए हैं जो हमारे मतलूबा थे, या उनकी जगह किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, चीफ ने कहा। तो हावर्ड और गॉस्टी दोनों बेख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब बास, हावर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इमरान को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, वो ऐसी मंसूबा बंदियाँ करने का आदी है। इस केस में सूरत हाल ऐसी थी कि इमरान की तरफ से ऐसी मंसूबा बंदी की तवक्को की जा सकती थी, चीफ ने कहा। कैसी सूरत हाल बास, हावर्ड और गॉस्टी दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो, अगर इमरान तुम दोनों को हलाक कर देता तो क्या उसे रेड एजेंसी या क्रीमिया ख़त्म हो जाता, लामहाला उसे मालूम था कि तुम्हारी जगह और एजेंट इस मिशन पर काम करने के लिए पहुँच जाते, दूसरी ये कि इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तवील अरसा चाहिए,
क्योंकि ये इंतहाई तकनीकी काम है, 2 जमा 2 4 वाला काम नहीं है। इस काम में 2 जमा 2 ना जाने कितने बनाने पड़ते हैं। अब इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मुसलसल ये ड्यूटी नहीं दे सकते थे कि वो माहरीन की हिफाजत करते रहते हैं, इसलिए वो आसानी से ऐसा कर सकता था कि उन माहरीन की जगह दूसरे लोगों को सामने लाए और जब वाकई उन्हें हलाक कर दो तो रेड एजेंसी भी मुतमईन हो जाए और एक्रीमिया भी कि उन्होंने मिशन की तकमील कर दी है और पूरी दुनिया के माशी उफक पर उमड़ आने वाला ये खतरा ख़त्म हो गया है। लेकिन बाद में अचानक मालूम हो कि असल माहरीन जिंदा हैं तो तुम सोचो कि इस वक्त हमारा और एक्रीमियन हुकाम का क्या हशर होता, डक्सर ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है बास, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मजहबी रस्म में तमाम माहरीन मौजूद थे और गोस्टी इनकी निगरानी करती रही। फिर गोस्टी की निगरानी में ही वो स्टेट बैंक कॉलोनी की इस कोठी में गए और इसके बाद वो अंदर थे कि कोठी को मिसाइलों से उड़ा दिया गया। फिर उनकी लाशों को जाकर मुर्दाखाने में बाकायदा मैंने खुद देखा था। मैंने खास तौर पर इस बात के पेश नज़र चेकिंग की थी कि कहीं उनके चेहरों पर मेकअप तो नहीं। इसके बाद उनकी फिल्म तैयार की गई। इन हालात में किसी मनसूबाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता, हावर्ड ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है लेकिन फिर भी चेकिंग करना ज़रूरी था। उसके लिए सबसे बेहतर दाविया यही था कि माहरीन के खानदानों को चेक किया जाए। तमाम माहरीन मुख्तलिफ ममालिक के हैं और उनके खानदानों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। चुनाचे रेड एजेंसी ने तमाम माहरीन के खानदानों के रद्द अमल और उनकी मजहबी रसूमात की फिल्में तैयार करने की हदायत जारी कर दी। बागीशे से उन माहरीन की लाशें उनके ममालिक पहुँच गई और फिर जब उनकी फिल्में आईं तो ये बात तय हो गई कि मरने वाले असल थे। हर मुल्क के अखबारात ने अपने अपने माहिर मौशियात का ज़ोरदार मातम किया। उनके खानदानों में तो कोहराम मच गया था, इसीलिए ये बात हतमी तौर पर तय हो गई है कि मरने वाले असल माहरीन थे। कल उनकी मजहबी रस्म थी जिसमें खानदान के अलावा उनके तमाम मिलने जुलने वाले रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए हैं। उसे रस्म कुल्हवानी कहा जाता है। इस रस्म को भी चेक किया गया, ये भी मामूल के मुताबिक थी। इसके अलावा पाकिस्तान में भी वसी पैमाने पर चेकिंग कराई गई और इमरान का रद्दमल चेक किया गया। इमरान का रद्दमल बता रहा है कि मरने वाले असल थे। इन तमाम रिपोर्ट्स के मिलने के बाद मैंने तुम्हें कॉल किया है ताकि तुम्हें ये सारी तफसीलात बताई जा सकें और तुम्हें हराज तहसीन भी पेश किया जा सके कि तुमने सफरियत इमरान को शायद उसकी ज़िंदगी की पहली और भरपूर शिकस्त दी है, चीफ ने कहा। शुक्रिया बास, लेकिन अभी वो पाकिस्तान का माहिर मौशिया डॉक्टर एहसान जिंदा है, इसलिए ऐसा ना हो कि वो दीगर माहरीन को बुलाकर फिर काम शुरू कर दे, हावर्ड ने कहा। फिलहाल तो उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है। पहले तो तुम उसकी वालदा, भांजी, भांजे और बहन को हलाक कर दिया, अब उसके सारे साथी भी हलाक हो चुके हैं, इसीलिए अब वो अपने भाई रहाइश का पर तो मौजूद है लेकिन उसकी जहनी हालत इस काबिल नहीं है कि इस कदर बड़े मनसूबे पर काम कर सके। हाँ, अगर 2-4 माह बाद उसने फिर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उसका खात्मा किसी भी वक्त कराया जा सकता है, चीफ ने कहा। चीफ, ये इमरान लाजमन यहाँ इंतकाम लेने आएगा, गोस्टी ने कहा। इमरान ने बहुत भाग दौड़ की है लेकिन वो लारक तक ना पहुँच सका है और ना ही वो इन लोगों तक पहुँच सका है जिन्होंने माहरीन को हलाक किया है, और उसे ये भी मालूम नहीं हो सका कि ये वारदात किसने की है। वो तुम्हारे बारे में कोई क्लू हासिल नहीं कर सका, चीफ ने कहा। हमने इस बार कार्रवाई ही ऐसी की थी, बास, सावर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। अब तुम इत्मीनान से किसी भी जजीरे पर जाकर जश्न फतह मना सकते हो। तुम्हारी एक माह की छुट्टी मंजूर कर ली गई है और तुम्हारी तफरी के तमाम अखराजात रेड एजेंसी अदा करेगी, चीफ ने कहा। तो वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। शुक्रिया चीफ, आप वाकई कदरशनास हैं, हावर्ड और गोस्टी ने कहा। तो चीफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर इन दोनों ने सलाम किया और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर आ गए। उनके चेहरे मुसर्रत और कामयाबी से जगमगा रहे थे। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो हस्बे आदत ब्लैक जीरो उठकर खड़ा हो गया। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे वो बड़ी दूर से दौड़ता हुआ आया हो और अब उसे आराम करने का मौका मिला हो। अब तो आपने दानिश मंजिल आना ही छोड़ दिया है, इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या करूँ, काम तो है ही नहीं और बगैर काम के तुम सवाए चाय और पिलाने के और कुछ करते ही नहीं, इसीलिए बस मैं हूँ और मातम यक शहर आरजू, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये आपने आखिर में क्या कहा है, किसी शेर का मिसरा है शायद, ब्लैक जीरो ने कहा। इसे मुहावरा ही समझो, वैसे है किसी मिसरे का जुज़ मतलब है कि आरजुओं का एक पूरा शहर मेरे अंदर बसा हुआ है और एक भी आरजू पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मैं हूँ और इस पूरे शहर आरजू का मजमू मातम कर रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। आपके अंदर आरजुओं का शहर कैसे बस किया, आप तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बाख्तियार फ़र्द हैं जो चाहें जब चाहें हासिल कर लें, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो उठाओ चेकबुक और उस पर दस्तखत करके एक खाली चेक मेरे हवाले कर दो, इमरान ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। मेरा तो किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं है इमरान साहब, इसलिए चेक कैसे दूं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे मैं तुम्हारे अकाउंट का चेक नहीं मांग रहा, मुझे मालूम है घंजी धोएगी क्या और नचोड़ेगी क्या, मैंने तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अकाउंट का चेक मांगा है, इमरान ने कहा। वो तो असल X2 के पास है, मेरे पास कहाँ से आया, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। असल X2 वो कौन है, इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। आपका बावर्ची सुलेमान, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इस बार इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसका मतलब है कि अब पूरी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अकाउंट पर फातिहा पढ़ दी जाए, अब यही एक आरजू थी, आज वो भी ख़त्म हो गई। अब तुम खुद बताओ, अब शहर आरजू का मातम करूँ या बैंक आरजू का मातम करूँ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा।
मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, ब्लैक सीरो ने हंसते हुए कहा और उठकर किचन की तरफ बैठ गया। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यह स्टार कॉरपोरेशन, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वाल्टर से बात कराए, मैं पाकिशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, पाकिशिया से? ओ अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। शायद तवील फासले से की जाने वाली कॉल ने इस लड़की को चौंका दिया था। वाल्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MS CDSC अक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ओ इमरान साहब आप? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। क्या फ़ोन महफूज है? इमरान ने कहा, हाँ कतई महफूज है, खुलकर बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया, रेड एजेंसी ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में एक मिशन मुकम्मल किया है, इस बारे में मालूमात हासिल करनी है कि इस मिशन की तकमील के बाद रेड एजेंसी का क्या रद्द अमल है। इस मिशन पर काम हार्वर्ड और गॉस्टी ने किया है, इन दोनों के बारे में भी रिपोर्ट चाहिए। इमरान ने कहा, कब मिशन मुकम्मल हुआ है? दूसरी तरफ से पूछा गया, तकरीबन एक माह पहले की बात है। इमरान ने कहा, ओ अच्छा, मैं मालूम करता हूँ, आपको कब तक मालूमात चाहिए? वाल्टर ने कहा, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। इमरान ने कहा, अगर आप मुआवजा डबल कर दें तो 2 घंटों बाद ये मालूमात मिल सकती हैं। वाल्टर ने जवाब दिया, डबल ले लेना। इमरान ने कहा, अब 2 घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन कर लें। वाल्टर ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इस दौरान ब्लैक सीरो चाय की प्याली उसके सामने रख कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ चुका था। चाय की दूसरी प्याली उसके सामने पड़ी हुई थी। क्या आप नीलमगढ़ में रहे हैं इमरान साहब? यहाँ दारुल हुकूमत में तो आप मौजूद नहीं थे। ब्लैक सीरो ने कहा, कुछ ना पूछो, कहाँ कहाँ हवार होता रहा हूँ। जिन ममालिक के माहिरीन थे इन सब ममालिक में गया हूँ। उनके खानदानों से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ की तरफ से तादियत की है। बड़े अलमनाक सदमे थे सब जगहों पर। उसके बाद यहाँ आकर मुजरमों के पीछे भाग भाग कर हवार होता रहा हूँ, लेकिन ना ही मुजरमों का सुराग मिला और ना ही ये मालूम हो सका है कि ये सारी कार्रवाई किसने की है और किसकी शय पर हुई है। आहिर थक हार कर मैंने कोशिश ही छोड़ दी। इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है इमरान साहब, इतनी बड़ी वारदात हो जाए और उसका कोई क्लू ना मिले। ब्लैक सीरो ने कहा, तुमने सीक्रेट सर्विस के जरिए भी तो इंक्वायरी करवाई होगी, क्या रिजल्ट निकला? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो नहीं कराई क्योंकि आपका हुक्म ही नहीं था। ब्लैक सीरो ने कहा, अच्छा अब तुम खुद बताओ, जब इंक्वायरी ही नहीं कराई गई तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक सीरो बेख्तियार हंस पड़ा, इमरान साहब आखिर मुझे भी तो पता चले कि आप क्या करते फिर रहे हैं। इस वारदात को एक माह होने के करीब है, लेकिन आपकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है और मुझे खुद भी मालूम नहीं कि असल माहरीन अब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ब्लैक सीरो ने कहा, कहाँ छोने हैं, बेचारे नीलमगढ़ में जान के खौफ से छुपे हुए हैं। इमरान ने कहा, ओ तो वो अभी तक वहाँ हैं क्यों? आपने तो कहा था कि चंद रोज़ में उन्हें खामोशी से उनके घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। ब्लैक सीरो ने कहा, पहुँचा तो दिया जाता, लेकिन वहाँ रेड एजेंसी के लोग गिद्धों की तरह मंडलाते फिर रहे हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक सीरो चौंक पड़ा, क्यों, क्या उन्हें उनकी मौत पर यकीन नहीं आया? ब्लैक सीरो ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा, वो क्या कहते हैं, बद से बदनाम बुरा, वही बात मेरे साथ है। यकीन के बावजूद उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इमरान वहाँ मौजूद हो और माहरीन हलाक हो जाएं। वो अब तक ये समझ रहे हैं कि ये मेरी कोई गेम भी हो सकती है। हालांकि कहाँ बेचारा अली इमरान और कहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर और पावरफुल रेड एजेंसी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक सीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, शक तो उनका दुरुस्त है, अगर आप मुझे सारी सूरत हाल ना बताते तो मुझे भी यकीन ना आता कि ऐसा हो चुका है। ब्लैक सीरो ने कहा, अरे क्या मतलब, क्या तुम्हें मालूम है कि असल सूरत हाल क्या है? इमरान ने चौंक कर कहा, हाँ यही कि असल माहरीन जिंदा हैं और उनकी जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद ने कुर्बानी दी है। ब्लैक सीरो ने कहा, तो इमरान ने इस तरह तवील सांस लिया जैसे उसके सर से टनों बोझ उतर गया हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मेरी इज्जत रख ली, इमरान ने कहा। क्या मतलब, ब्लैक सीरो ने चौंक कर कहा, मैं समझता था कि तुम्हें मालूम है कि असल माहरीन ही हलाक हुए हैं, इमरान ने कहा। तो ब्लैक सीरो एक लम्हे के लिए उछला लेकिन फिर बेख्तियार हंस दिया, आप वाकई दूसरों को जहनी तौर पर उलझा देने के माहिर हैं, ब्लैक सीरो ने कहा। बस इसी जहन ने ही तो ये सारी गड़बड़ कर रखी है, अगर जहन ना होता तो आप मेरी जेबें बड़ी मालियत के नोटों से भरी हुई होती। कहा तो यही जाता है कि अकल और दौलत की आपस में दुश्मनी है, जहाँ एक हो वहाँ दूसरी नहीं होती, इमरान ने कहा। और ब्लैक सीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इस तरह वो 2 घंटे तक बातें करते रहे। फिर इमरान ने रिसीवर उठाया और स्टार कॉरपोरेशन के नंबर डायल कर दिए। वाल्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद वाल्टर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा, रेड एजेंसी के चीफ ने पाकिस्तान मिशन को मुकम्मल करके क्लोज कर दिया है। वो हर लिहाज से मुतमईन है कि मिशन मुकम्मल हो चुका है और हार्वर्ड और गॉस्टी दोनों एक माह की रुख्सत जजीरा होनोलुलु में मनाकर कल वापस आए हैं। वाल्टर ने जवाब दिया, उनकी रहाइश कहाँ है? इमरान ने पूछा, रेनाल्ड कॉलोनी की कोठी नंबर 18 ग्रीन पैलेस। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके अब अपना अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में बता दो और मुआवजा भी, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से वाल्टर ने तफसील भी बता दी। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। वाल्टर को उसकी मतलूबा रकम भिजवा देना, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर को अपनी तरफ खिसकाया और उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। वो स्टार ग्रुप इन दिनों कहाँ है, जिसने डॉक्टर परवेज की कोठी को मिसाइलों से उड़ाया था? ओवर, इमरान ने कहा। तो ब्लैक सीरो बेख्तियार चौंक पड़ा।
मौजूद है पास ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया कितने अफराद का ग्रुप है ये ओवर, इमरान ने पूछा। 6 अफराद पर मुश्तमिल है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो ओवर, इमरान ने कहा। कैफे शराज से बास ओवर, टाइगर ने जवाब दिया तुम वहीं रुको मैं जवाना को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमने जवाना के साथ मिलकर इस सारे ग्रुप को अगवा करके राना हाउस पहुँचाना है ओवर, इमरान ने कहा। यस बास ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या आपको पहले से मालूम था कि ये कार्रवाई इन लोगों ने की है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ टाइगर ने उनका सुराग लगा लिया था, इमरान ने जवाब दिया और इसके साथ उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी, इमरान बोल रहा हूँ जवाना कहाँ है, इमरान ने कहा मौजूद है बास। दूसरी तरफ से कहा गया जवाना बोल रहा हूँ मास्टर चंद लम्हों बाद जवाना की आवाज़ सुनाई दी। जवाना तुमने कैफे शराज देखा हुआ है, इमरान ने कहा। यस मास्टर शार्क रोड पर है, जवाना ने कहा। तुम बड़ी वैगन लेकर वहाँ जाओ, वहाँ टाइगर मौजूद है, तुम दोनों ने मिलकर एक ग्रुप के 6 अफराद को अगवा करके राना हाउस पहुँचाना है, लेकिन ख्याल रखना कि उन्हें जिंदा राना हाउस तक पहुंचाना चाहिए, इमरान ने कहा। यस मास्टर। दूसरी तरफ से कहा गया रिसीवर जोसेफ को दो, इमरान ने कहा। यस बास। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई थी। जोसेफ जब ये लोग आ जाएं तो उन्हें ब्लैक रूम में कुर्सियों पर जकड़ कर तुमने उनसे पूछगिछ करनी है कि उन्होंने एक माह कबल स्टेट बैंक कॉलोनी में डॉक्टर परवेज की कोठी को मिसाइलों से किस पार्टी के कहने पर उड़ाया था, इमरान ने कहा। ये स्वास्थ्य में मालूम कर लूँगा, दूसरी तरफ से चौंक कर जवाब दिया गया। जिस पार्टी का ये कहें तो टाइगर और जवानों को भिजवा कर उस पार्टी के हेड को अगवा कराना और फिर उसे भी इन रॉड्स में जकड़ कर मुझे फ़ोन करना, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। ये पार्टी यकीनन डेड एजेंसी के एजेंट ही होंगे इमरान साहब, लेकिन क्या वो अब तक यहाँ मौजूद होंगे, ब्लैक सीरो ने कहा। नहीं ये कोई मुकामी पार्टी है, ऐसी पार्टी जो डेड एजेंसी के लिए काम कर रही है, इमरान ने कहा। अगर आपको पहले से मालूम था तो आपने पहले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, ब्लैक जीरो ने कहा। अभी तुमने वाल्टर की रिपोर्ट तो सुनी है कि रेड एजेंसी के चीफ ने मुतमईन होकर केस क्लोज कर दिया है और वो एजेंट जिन्होंने ये मिशन मुकम्मल किया है वो जजीरा होनोलुलु में छुट्टियां मनाकर वापस आए हैं। अगर मैं कार्रवाई कर देता तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि इस तरह केस क्लोज हो सकता था कि तमाम इस्लामी ममालिक के खसूसी हुकाम तक ये बात पहुँची थी कि असल मामला क्या है, इसलिए मुझे हर मुल्क के माहिर मौशियात के खानदान से जाकर खुद तजियत करना पड़ी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ओ वाकई आप जैसी प्लानिंग कोई नहीं बना सकता, आपने वाकई रेड एजेंसी को मुकम्मल चक्कर दिया है, वो सारी चेकिंग के बावजूद असल बात की तह तक नहीं पहुँच सके, ब्लैक जीरो ने बड़े तहसीन आमेज लहजे में कहा। मेरी प्लानिंग का क्या फ़ायदा कि माहरीन हलाक हो गए और मुस्लिम करेंसी का सारा मनसूबा भी हाक में मिल गया, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा, फिर वो आपस में बातें करते रहे कि फ़ोन की घंटी बाज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 इमरान ने कहा जोसेफ बोल रहा हूँ, अगर बात से आपका रब्ता हो जाए तो उन्हें कह दें कि अपने गुलाम जोसेफ को फ़ोन कर लें, दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इमरान साहब जोसेफ वाकई बेहद अकलमंद है, हर बात का ख्याल रखता है, ब्लैक जीरो ने कहा। वो अफ्रीका का प्रिंस है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। 10 मिनट ठहर कर इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस रब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी, इमरान बोल रहा हूँ क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। बास 6 अफराद पहले लाए गए जिनमें उनका एक लीडर था, उनमें से मैंने पूछताछ की तो उसने लारक कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर लारक का नाम लिया। लारक के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि वह क्रीमिया गया हुआ है, अलबत्त उसका असिस्टेंट शार्प मौजूद था, मैंने टाइगर और जवानों को वहाँ भेज दिया और वो शार्प को लेकर आ गए हैं, अब आप जैसे हुक्म दे, दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई थी। शार्प से लारक का मुकम्मल सेटअप मालूम करो और फिर उनके आने से पहले अफराद को हला करके उनकी लाशें बरकी बट्टी में डाल दो, इसके बाद टाइगर और जवानों की ड्यूटी लगाओ कि वो लारक के इस पूरे सेटअप का खात्मा कर दें, इमरान ने कहा। यस बास। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आप खुद सामने नहीं आ रहे, क्या मतलब, ब्लैक जीरो ने कहा। जोसेफ को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फ़ानी आदमी हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन शागिर्द तो आपका टाइगर है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सिर्फ जंगल का टाइगर है जबकि जोसेफ प्रिंस है, आप फ़र्क तुम हो समझ सकते हो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोशन हाउस रब्ता कायम होते ही किसी मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर एहसान से बात कराएं, इमरान ने कहा। होल्ड करें जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया हेलो डॉक्टर एहसान बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद डॉक्टर एहसान की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब क्या प्रोग्राम फाइनल हुआ है, इमरान ने कहा। कल शाम दमाग में मुस्लिम करेंसी के मनसूबे का ऐलान कर दिया जाएगा, इमरान साहब। और आपके कहने पर कर्न अफरीदी ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के आला हुकाम के वफ्द कल सुबह खामोशी से दमाग पहुंच जाएंगे और मुस्लिम करेंसी को अपनाने का हर मुस्लिम मुल्क की तरफ से बाकायदा ऐलान किया जाएगा, डॉक्टर एहसान ने कहा। क्या उससे कबल के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं या नहीं, इमरान ने कहा। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, मुस्लिम करेंसी का ऐलान होते ही उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, डॉक्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, यहाँ से आपकी रवानगी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं ना, और आप उनसे मुतमिन हैं या नहीं, इमरान ने कहा। इमरान साहब इंतजाम आपने किए हों और मैं मुतमईन ना हूँ, ये कैसे हो सकता है, असल में तो जो कुछ आपने किया है उस लिहाज से मुस्लिम करेंसी का सेहरा आपके साथ ही बनता है, डॉक्टर एहसान ने कहा।
अरे अरे जनाब, मेहनत आपने और आपके साथियों ने की है, मैंने क्या किया है। इंशाल्लाह तारीख में आपका और आपके साथियों के नाम हमेशा कायम दायम रहेंगे। बहरहाल अब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह इस ऐलान के बाद ही होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। तब तक अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। डक्सन अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बाजू थी। ये डायरेक्ट फ़ोन था। डक्सन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डक्सन ने कहा। PA2 चीफ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। यस, डक्सन बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ रेड एजेंसी। डक्सन ने कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, डक्सन बोल रहा हूँ। डक्सन ने मोदबाना लहजे में कहा, मिस्टर डक्सन आपने ये रिपोर्ट दी थी कि मुस्लिम करेंसी कमीशन आपने मुकम्मल करके क्लोज कर दिया है और सवाई पाकिशियाई माहिर मौशा डॉक्टर एहसान के बागी हलाक हो चुके हैं और आपने उनकी हलाकत को कंफर्म कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी ने दहाई तरह से लहजे में कहा। यस सर, ऐसा ही हुआ है, डक्सन ने कदरे धड़कते हुए दिल के साथ कहा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के लहजे की सख्ती से ही वो समझ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। आपके ऑफिस में टीवी मौजूद होगा, उस पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक चैनल लगाएं और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, फिर मुझे फ़ोन करें। दूसरी तरफ से पहले से भी ज़्यादा सख्त और तलख लहजे में कहा गया और इसके साथ ही रबता ख़त्म हो गया, जैसे चीफ सेक्रेटरी ने रिसीवर क्रेडल पर पटख दिया हो। क्या हो रहा है वहाँ, डक्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर मेज़ की दराज खोलकर उसने रिमोट कंट्रोल निकाला और सामने दीवार में मौजूद टीवी की जानिब उसका रुख करके उसने बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे स्क्रीन एक धमाके से रोशन हो गई। डक्सन रिमोट कंट्रोल के जरिए चैनल तब्दील करता चला गया और जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक चैनल सामने आया तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आंखें स्क्रीन से जैसे चिपक सी गईं। ये एक काफ़ी वसी हॉल था जिसमें काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक के लोग मौजूद थे, जिसके रोस्टरम पर खड़ा एक आदमी बोल रहा था जबकि उसके पीछे स्टेज पर 6 अफराद बैठे हुए थे और उन्हें गौर से देखते ही डक्सन बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे क्योंकि अब वो उन्हें पहचान गया था कि रोस्टरम पर मौजूद पाकिशियाई माहिर मौशियात डॉक्टर एहसान था, जबकि अकब में मौजूद स्टेज पर बैठे हुए 6 अफराद वो माहरीन मौशियात थे जिन्हें हार्वर्ड और गॉस्टी ने पाकिशिया में हलाक कर दिया था। लेकिन अब वो सही सलामत और इंतहाई इत्मीनान भरे अंदाज में स्टेज पर बैठे हुए थे। ओ, ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, डक्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने रिमोट कंट्रोल पर आवाज़ का बटन प्रेस कर दिया तो डॉक्टर एहसान की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। डक्सन के चेहरे पर बेख्तियार जर्दी सी फैलती चली गई क्योंकि डॉक्टर एहसान मुस्लिम करेंसी का ऐलान कर रहे थे और इस सिलसिले में तकनीकी तफसीलात बता रहे थे। फिर एक एक करके तमाम माहरीन मौशियात ने रोस्टरम पर आकर इस सिलसिले में बात की। उसके बाद हॉल में मौजूद तमाम मुस्लिम ममालिक के वफूद के लीडरों ने मुस्लिम करेंसी को अपनाने के हक़ में तकरीरें शुरू कर दीं, जिन्हें सुनकर डक्सन की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में दौड़ने वाला खून यकलहत मुंजमद हो गया हो। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने लाशौरी तौर पर रिमोट कंट्रोल से टीवी बंद किया और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डक्सन के मुंह से इंतहाई कमज़ोर सी आवाज़ निकली। PA2 चीफ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, चीफ साहब से बात करेंगे, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर डक्सन, आपने देख लिया मंजर, अब आप बताएं कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। आपकी वजह से हम मुतमईन हो गए थे, इसीलिए वो हिफाजती इंतजाम भी ना किए जा सके जो पहले से मालूम होने पर किए जा सकते थे। और अब इस ऐलान से चंद घंटे पहले तमाम इस्लामी ममालिक ने क्रीमिया और यूरोप के तमाम बड़े बड़े बैंकों से अपनी बेशतर दौलत निकाल कर मुस्लिम ममालिक के बैंकों और खसूसन पाकिशिया के बैंकों में जमा करवा दी है। हमें चूँकि होती इल्म नहीं था, इसलिए हम कोई हिफाजती कार्रवाई ही नहीं कर सके, वरना हम कोई कानून बना सकते थे जिससे इस कार्रवाई को रोका जा सकता। और आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस गफलत की वजह से क्रीमिया और यूरोप की मईशत को किस कदर नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचा है, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। जनाब, मैंने तो पूरी तसल्ली की थी, हर तरह चेकिंग की थी, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, डक्सन ने मुर्दा से लहजे में कहा। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर डक्सन, आपके सिलसिले में हम गौर करेंगे कि आप इस कदर हम सीट के काबिल हुए हैं या नहीं, दूसरी तरफ से इंतहाई तलख लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रबता ख़त्म हो गया तो डक्सन ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। वही हुआ जिसका मुझे हदशा था, काश मुकाबले में इमरान ना होता, ये शख्स नाकाबले शिकस्त है, कतन नाकाबले शिकस्त, डक्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अनजाने उसे अंदाज में बैठे कितनी देर गुजर गई कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। पहले तो कुछ देर डक्सन इसी हालत में बैठा रहा, फिर उसने तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने मुर्दा से लहजे में कहा। हार्वर्ड बोल रहा हूँ बॉस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक चैनल पर तो बाकायदा मुस्लिम करेंसी का ऐलान किया जा रहा है और वो सब माहरीन जो हलाक हो चुके थे वो भी वहाँ मौजूद हैं जनाब, हार्वर्ड ने इंतहाई बौखलाई हुई आवाज़ में कहा। हाँ, मैंने देखा है और अब मैं अपनी और तुम्हारी अकलमंदी पर बैठा मातम कर रहा हूँ। इमरान ने हमें एक बार फिर शिकस्त दे दी है, ऐसी शिकस्त जिसका हम याजा सदियों तक क्रीमिया और यूरोप भुगतते रहेंगे और हो सकता है कि इस कोताही पर मुझे सीट से ही हटा दिया जाए, डक्सन ने तेज से लहजे में कहा और इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। उसका दिल ही नहीं चाह रहा था किसी को बात करने को, उसे वाकई यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में डाल दिया हो। काश काश मुकाबले में इमरान ना होता, कोई और होता, काश, डक्सन ने बार बार यही फिक्रे दोहराते हुए कहा। यूं लगता था जैसे वो इस फिक्रे की लाशौरी तौर पर गर्दान कर रहा हो।
ये सब कैसे हो गया, ये हलाकशुदा माहरीन कैसे जिंदा हो गए, और कैसे और कहाँ उन्होंने इस मंसूबे को मुकम्मल किया, ये क्या हुआ, गोस्टी ने हरियाणी अंदाज में चीखते हुए कहा। तुमने चीफ की बातें सुनी हैं, चीफ को इस सारे मामले का कसूरवार ठहराया जा रहा है, जबकि चीफ ने अपनी तरफ से मुकम्मल इंक्वायरी कराई, लेकिन ये इमरान शैतानी रूह है, न जाने उसने ये सब कैसे कर लिया, हावर ने कहा। मैं इस इमरान का खात्मा कर दूंगी, हर सूरत में, हर कीमत पर, उस पर मुस्लिम करेंसी के बदले इमरान का खात्मा, ये मेरा फैसला है, गोस्टी ने इंतहाई घसीले अंदाज में मुक्का मारते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। जनाब, अकीशिया से आपके मेहमान आए हैं, मिस्टर लारक, मुलाजिम ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा। लारक और यहाँ हमारी रहाइश का पर, हावर्ड ने जोंकर कहा, और उसके साथ उसने प्लेट में रखा हुआ कार्ड उठा लिया। हाँ, ये लारक है, ठीक है, उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आ रहे हैं, हावर्ड ने कहा। तो मुलाजिम सर हिलाता हुआ वापस चला गया। ये लारक इस वक्त क्यों आया है, गोस्टी ने कहा। तुमने जो फैसला किया है, शायद कुदरत ने उसे मंजूर कर लिया है, इस लारक की मदद से हम वाकई से इमरान का खात्मा कर सकते हैं, और यकीन करो, अगर इमरान ख़त्म हो जाए तो समझो मुस्लिम करेंसी से जो नुकसान ईसाई और यहूदी दुनिया को पहुंचेगा, उसका बहुत जल्द अजाला हो जाएगा, इसीलिए अब मैंने तुम्हारी तरह फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस इमरान का खात्मा ज़रूरी हो गया है, हावर्ड ने कहा। और पहले लारक से मिल लें ताकि इस बारे में कोई ठोस प्लानिंग बन सके, गोस्टी ने कहा। इसके साथ ही वो दोनों उठ खड़े हुए, फिर कमरे से निकलकर वो एक राहदारी से गुजरकर जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, वहाँ मौजूद लारक उन्हें देखकर बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा बुरी तरह बुझा हुआ नजर आ रहा था। तुम और यहाँ कैसे आना हुआ, लारक, हावर्ड ने मुसाफे के बाद कहा। मैं एग्रीमिया बिजनेस के सिलसिले में आया था, आज मेरी वापसी थी, लेकिन जो मुझे इत्तला पाकिस्तान से मिली है, उन्होंने मेरी रूह निकाल ली है, लारक ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। क्या हुआ है, हावर्ड ने कहा। मुझे यहाँ आए हुए 4 रोज़ हुए हैं, कल अचानक पहले स्टार ग्रुप के 6 अफराद को उनके अड्डे स्टार क्लब से जबरन अगवा किया गया, और फिर मेरे आदमियों पर अजाब टूट पड़ा, लारक कॉरपोरेशन के ऑफिस को तबाह कर दिया गया, वहाँ मौजूद तमाम अफराद को गोलियों से उड़ा दिया गया। इसके बाद मेरी रहाइशगाह पर हमला हुआ, वहाँ भी तमाम मुलाजमीन को हलाक कर दिया गया, और मेरे प्राइवेट ऑफिस से शायद उन्होंने वो फाइल हासिल कर ली जिसमें मेरे ग्रुप के अफराद के नामों पते मौजूद थे, क्योंकि मेरे पूरे ग्रुप का खात्मा कर दिया गया है और उनकी लाशें पड़ी मिली हैं, सिर्फ मैं बच गया हूँ, मुझे मेरे एक बही हुआ ने यहाँ क्रीमिया में इत्तला दी तो मैं रुक गया, मैंने वहाँ अपने तौर पर जो मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक ये कार्रवाई एक मुकामी नौजवान जिसका नाम टाइगर बताया जाता है और एक दो हैकल अक्रीमी हबशी ने की है जो एक खौफनाक तंजीम स्नेक किलर का रुकन है, टाइगर के बारे में बताया गया है कि वो ज़ेर ज़मीन दुनिया का बड़ा मारूफ गुंडा है, अब एक लिहाज से मैं बेदस्तोबा हो गया हूँ, वहाँ मेरे पास सब कुछ बाकी नहीं रहा, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप चीफ से मेरी सिफारिश करके मेरी माली इमदाद करा दें, लारक ने कहा। लेकिन इन गुंडों ने ऐसा क्यों किया है, क्या तुम्हारा उनसे कोई झगड़ा था, हावर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, स्टार ग्रुप के जबरन अगवा में भी ये दोनों शामिल थे और मेरे ग्रुप के खिलाफ भी तमाम कार्रवाई इसी ग्रुप ने की है, जिस पर मुझे शक हुआ कि इन दोनों का ताल्लुक कहीं इमरान से ना हो, चुनाचे मैंने जब खसूसी तौर पर इस सिलसिले में इंक्वायरी करवाई तो मुझे मालूम हो गया कि मेरा शक दुरुस्त था। टाइगर वैसे तो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का मारूफ गुंडा है, लेकिन वो इस अली इमरान का शागिर्द है और दो हैकल अक्रीमी हबशी का नाम जवाना है, और ये जवाना पहले अक्रीमिया के बदनाम जमाना पेशावर कातिलों की तंजीम मास्टर किलर्स का रुकन था। इस तंजीम के खात्मे के बाद अब वो इमरान का मुलाजिम है। जवाना एक और अफ्रीकी हबशी के साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की एक बहुत बड़ी इमारत राना हाउस में रहता है, लारक ने कहा। लेकिन हमें तो वहाँ कार्रवाई किए हुए एक माह से भी ज़्यादा अर्सा हो गया है, अब तक वो क्यों खामोश रहे और अब अचानक उन्होंने ये सब कुछ कर डाला, हावर्ड ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, बहरहाल कार्रवाई तो इसी सिलसिले में हुई है, लारक ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि इस कार्रवाई का असल नतीजा क्या निकला, हावर्ड ने कहा। क्या मतलब, कैसा नतीजा, लारक ने चौंक कर कहा। हमने इस कार्रवाई के नतीजे में ये समझ लिया कि वो माहरीन मौशियात जो क्रीमिया के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहे थे वो हलाक हो गए हैं, और तुम हमारे साथ अस्पताल भी गए थे, लेकिन वो आज मरे हुए माहरीन जिंदा सलामत टीवी पर नजर आ रहे हैं, और जिस काम को रोकने के लिए उनको हलाक किया गया था उसी काम का ऐलान कर दिया गया है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहाली के लिए तुम्हारी मदद की जाए, जबकि मेरा ख्याल है कि चीफ और हम दोनों को शायद रेड एजेंसी से हटाकर सजा ना दी जाए, हावर्ड ने कहा। तो लारक बेइख्तियार उछल पड़ा। चीफ और आप दोनों को सजा, क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है, लारक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारी गफलत और लापरवाही से अक्रीमिया और यूरोप को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, और अब तुम्हारे आने से पहले हमने फैसला किया है कि उसका इंतकाम लेने के लिए हमें इमरान का हर सूरत में खात्मा करना होगा, और तुम भी हमारी मदद करो, अगर हम ये कर लेने में कामयाब हो गए तो तुम्हें शायद इस कदर इमदाद मिले कि तुम बख्शिशिया के सबसे बड़े लाट बन जाओ, हावर्ड ने कहा। ओ आप मेरी बात चीफ से कराएं, अगर चीफ ने भी यही बात की तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, इस इमरान ने मेरा पूरा ग्रुप ख़त्म कर दिया है और मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है, अब उससे इंतकाम लेना तो मेरी गैरत का मामला बन गया है, आप यकीन करें मैं एक बार तो इस इमरान का खात्मा कर ही दूंगा, इसके बाद जो चाहे मेरे साथ होता रहे, लारक ने कहा। तो हावर्ड ने इस बात में सर हिला दिया और रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 चीफ, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हावर्ड बोल रहा हूँ, चीफ से बात कराओ, हावर्ड ने कहा। आप उनकी रहाइशगाह पर कॉल करें, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो आराम करने अपनी रहाइशगाह पर चले गए हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया।
तो हावर्ड ने एक रैडल पर रख कर रابطہ ختم कर दिया। फिर डोनाने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, رابطہ कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, तो हावर्ड पहचान गया कि ये चीफ के हाउस मैनेजर रिचर्ड की आवाज़ है। हावर्ड बोल रहा हूँ, रिचर्ड चीफ से बात कराओ। हावर्ड ने कहा, ओ आप अच्छा होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो चल लम्हों, बार्डक्सन की आवाज़ सुनाई दी, लहजा स्पॉट था। चीफ, मैंने और गॉस्टी हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों पाकिस्तान जाकर इस इमरान को हर सूरत में हरा कर दें। इस तरह यकीनन किसी हद तक इस नुकसान का मदावा हो सकता है जो उसके हाथों हमें पहुंचा है। अभी हमने ये फैसला किया ही था कि पाकिस्तान में लारक हमारी रहाइशगाह पर पहुंच गया। उसने बताया कि वहां अचानक इमरान के आदमियों ने खौफनाक ऑपरेशन किया है और स्टार ग्रुप को, जिसने माहरीन माशियात की कोठी पर मिज़ाइल फायर किए थे, उनके अड्डे से जबरन अगवा किया गया और उसके बाद वो गायब हो गए। इसके बाद लारक के ऑफिस पर हमला हुआ, वहाँ मौजूद लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। फिर लारक की रहाइशगाह पर हमला हुआ, वहाँ तमाम मुलाजमीन को भी गोलियों से उड़ा दिया गया। वहाँ से उन्हें शायद वो फाइल मिल गई जिसमें लारक ग्रुप के तमाम अफराद के नामों पते दर्ज थे। फिर इन सब की लाशें ही मिली। लारक किसी बिजनेस के सिलसिले में अक्रीमिया आया हुआ था, इसीलिए वो बच गया है। अब वो यहाँ हमारे पास इसीलिए आया था कि आपसे सिफारिश करके उसके माली इमदाद की जाए ताकि ये अपना कारोबार बहाल कर सके। मैंने उसे बताया है कि हम इस इमरान को हलाक करने का फैसला कर चुके हैं। अगर ये सिलसिले में हमारी मदद करे तो इमरान की मौत के बाद उसे इतना इनाम दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉर्ड बन जाएगा। उसका कहना है कि उसे इमरान की कमजोरियों का इल्म है, एक बार तो ये उसे हलाक कर सकता है अगर आप उसे कहें, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है, हावर्ड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लारक से मेरी बात कराओ, दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ, मैं लारक बोल रहा हूँ, लारक ने रिसीवर लेते हुए कहा, जबकि हावर्ड ने उसे रिसीवर देकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। तुमने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि तुम इमरान को हलाक कर सकते हो? दूसरी तरफ से डक्सर ने कहा, चीफ, इमरान की दोस्ती सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज से है और फयाज की दोस्ती मुझसे है और मुझे मालूम है कि फयाज की बीवी इमरान की बहन है। अगर मैं उसे जबरन इमरान को फ़ोन कराऊं तो इमरान बगैर सोचे समझे उसकी रहाइशगाह पर पहुंच जाएगा और फिर अचानक उसे हलाक करना मुश्किल नहीं होगा, लारक ने कहा। रिसीवर हावर्ड को दो, दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। तो लारक के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, उसने रिसीवर हावर्ड की तरफ बढ़ा दिया। यस बॉस, हावर्ड ने रिसीवर लेकर कहा, लारक बच्चों जैसी बातें कर रहा है, इमरान अगर इस तरह हलाक हो सकता तो अब तक लाखों बार हलाक हो चुका होता, तुम ऐसा करो कि अपने सेक्शन के स्पेशल फंड से उसे माकूल रकम दे दो और ये भी सुन लो कि तुम दोनों ने भी इमरान के खिलाफ इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं करनी जब तक मैं तुम्हें उसकी इजाज़त ना दूँ। मैं इस सिलसिले में आला हुकाम से बात करके खुद कोई प्लान बनाऊंगा और हो सकता है कि इस बार फुल टीम इसे इमरान के खिलाफ पाकिस्तान भेजी जाए या उसे किसी चक्कर में यहाँ बुलवा कर उसका खात्मा किया जाए। बहरहाल ये बात तय है कि अगर इमरान का खात्मा हो जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये इससे बड़ा नुकसान होगा जितना मुस्लिम करेंसी ने अक्रीमिया और यूरोप को दिया है, डक्सर ने कहा। यस बॉस, हावर्ड ने कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिए जाने की आवाज़ सुनकर उसने भी रिसीवर रख दिया। आज तो छुट्टी का दिन है लारक, कल तो मेरे सेक्शन ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, हावर्ड ने कहा। शुक्रिया जनाब, लारक ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि लारक को फौरी तौर पर नहीं जाना चाहिए, इमरान या उसके साथी यकीनन इसकी ताक में होंगे, गॉस्टी ने कहा। ओ नहीं मैडम गॉस्टी, मैं मेकअप और नए कागजात के साथ जाऊंगा और एक बार मैं अपने अड्डे पर पहुंच जाऊं फिर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, लारक ने कहा। ठीक है, ये फैसला करना तुम्हारा अपना काम है, हावर्ड ने कहा। तो लारक उठ खड़ा हुआ और फिर हावर्ड और गॉस्टी दोनों से मुसाफिर करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बैठ गया। उसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। इमरान दानिशमंद दिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक सीरो हस्ब आदत एहतरामन उठ खड़ा हुआ। मुबारक हो इमरान साहब, आपने वाकई मुस्लिम वर्ल्ड के लिए करेंसी के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचा कर तारीख साज काम किया है। सलाम दुआ के बाद ब्लैक सीरो ने इंतहाई खलूस भरे लहजे में कहा, यह सब अल्लाह ताला का करम है ब्लैक सीरो, मेरा इसमें ज़ाती तौर पर कोई कमाल नहीं है और ना ही इतना बड़ा तारीख साज काम मैं कर सकता था जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल ना होती। अलबत्त ये बात दुरुस्त है कि ये काम तारीख साज है, इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आलमी मार्केट में मुस्लिम करेंसी की साख बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, फिर उसकी वजह से असल फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा और इंशाल्लाह आइंदा सालों में पाकिस्तान पूरी दुनिया की इकोनॉमिक मार्केट को भी लीड करने के काबिल हो जाएगा, इमरान ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। वो वाकई मुस्लिम करेंसी के इस मनसूबे की कामयाबी पर बेहद खुश नज़र आ रहा था। इमरान साहब, वो लारक जो यहाँ रेड एजेंसी का एजेंट था वो भी नहीं मिला और ना ही रेड एजेंसी के वो दो एजेंट जो यहाँ वारदात करके वापस चले गए थे। पहले तो आप इसलिए खामोश थे कि मंसूबे पर काम हो रहा था, लेकिन अब तो उनका खात्मा ज़रूरी है, ब्लैक सीरो ने कहा। अरे इतना गुस्सा, अब जबकि हमारा असल मिशन कामयाब हो गया है तो आप क्या किसी से इंतकाम लेना, बहरहाल मिशन की कामयाबी में कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, इमरान ने कहा। इन एजेंटों ने डॉक्टर एहसान की वालिदा, बहन, नौजवान भांजे और भांजी को इंतहाई बेदर्दी से हलाक कर दिया था। इन एजेंटों की वजह से लारा के कहने पर पाकिस्तान के महरे मौशा डॉक्टर परवेज़ को हलाक कर दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के 6 तरबियत याफ्ता नौजवान हलाक कर दिए गए और आप कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए, ब्लैक सीरो ने और ज़्यादा घसीले लहजे में कहा। उनके लिए इतना सदमा ही काफ़ी होगा ब्लैक सीरो के, आज जब मुस्लिम करेंसी का ऐलान हुआ होगा तो वो सब अपने बाल नोच रहे होंगे, बहरहाल मिशन में तो ऐसा होता ही है, हमारे हाथों न जाने कितने लोग मिशन के दौरान हलाक हुए होंगे।
आप क्या उन सब का इंतकाम लेने पूरी दुनिया की सर्विसेज मेरे खिलाफ हरकत में आ जाएंगे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि इस मंसूबे के ऐलान के बाद रेड एजेंसी आपकी ज़ात को निशाना बनाएगी, ब्लैक जीरो ने एक और पहलू से बात करते हुए कहा। बनाती रहे, जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। आप बेशक ये काम ना करें लेकिन सीक्रेट सर्विस इस पर काम करेगी, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम सीक्रेट सर्विस को फजूल और बेमकसद मामलों में उलझा दो, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। जवाना और मैं जाएंगे, मैं छुट्टी लेकर चला जाऊंगा, जवाना ने यहाँ काम किया है तो अब वो एक्रीमिया में भी काम करने पर तैयार हो जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। फिर किसी मिशन में उनसे टकराव हो जाएगा, यार सोहबत जिंदा बाकी, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ, राना हाउस से बास हैं यहाँ, दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि जोसेफ बगैर किसी से ज़रूरत के दानिशमंदिल फ़ोन नहीं करता। इमरान बोल रहा हूँ, क्यों कॉल की है? इमरान ने इस बार असल लहजे में कहा। बास वो लारक जो क्रीमिया चला गया था वापस आ गया है, टाइगर उसकी ताक में था, उसने उसे चेक कर लिया और उसने जवाना का फ़ोन किया तो जवाना वहाँ पहुँचा और इस लारक को वो दोनों उगा करके यहाँ राना हाउस में ले आए हैं। जवाना तो उसे हलाक करना चाहता था लेकिन टाइगर ने उसे रोक दिया कि शायद आप उसे कुछ पूछना चाहें। अब आपका क्या हुक्म है? जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। जवाना और टाइगर अब कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। दोनों ब्लैक रूम में हैं, मैं स्पेशल रूम से बात कर रहा हूँ, जोसेफ ने शायद इमरान की बात का मतलब समझते हुए कहा। मैं खुद वहीं आ रहा हूं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। लारक क्रीमिया से वापस आया है, यकीनन ये वहां रेड एजेंसी के चीफ टक्सन से मिला होगा, उससे ताज़ा तरीन मामलात का पता चल सकता है कि मुस्लिम करेंसी के ऐलान होने के बाद रेड एजेंसी का क्या रद्दअमल है, इमरान ने कहा। इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया, वो भी एहतरामन उठ खड़ा हुआ था। बेफिक्र हो, जवाना और टाइगर दोनों तुम्हारे ख्यालात पर अमल कर रहे हैं, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया तो ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि इमरान के इस फिक्रे का मतलब था कि लारक के बाद रेड एजेंसी का भी नंबर आ सकता है। थोड़ी देर बाद इमरान राना हाउस पहुंच गया, फिर वो ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो कुर्सी पर बैठा हुआ टाइगर उठ खड़ा हुआ जबकि जवाना पहले ही खड़ा था। सामने राड्स वाली कुर्सी में झगड़ा हुआ एक आदमी मौजूद था जिसकी गर्दन ढलकी हुई थी, ये लारक है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए टाइगर से कहा और साथ ही उसे भी बैठने का इशारा कर दिया। यस बास, लेकिन बास ये मुख्तलिफ मेकअप और नाम से क्रीमिया से वापस आया है, लेकिन अपने कमरे में पहुंचकर जब उसने अपने आप को ओपन किया तो मुझे इत्तला मिल गई, क्योंकि मैंने पहले ही इस सिलसिले में बंदोबस्त कर रखा था, मैंने जवाना को फ़ोन किया तो जवाना फ़ौरन आ गया और हम दोनों ने उसके अड्डे में घुसकर उसके बकिया तमाम आदमियों को हलाक कर दिया और उसे बेहोश करके उठाकर यहाँ ले आए। यहाँ पहुँच कर मैंने उसका मेकअप वॉश कर दिया, अब ये अपनी असल शक्ल में है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने कहा। तो टाइगर उठा, उसने जेब से एक शीशी निकाली, उसका ढक्कन हटाकर उसने शीशी का दहाना लारक की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी को हटाया, उसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाला और फिर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लारक के जिस्म में हरकत के तासुरात नमदार होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसने आँखें खोली और होश में आते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है राड्स में झगड़ा होने की वजह से वो ऐसा ना कर सकता था। ये क्या मतलब, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, लारक ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। फिर उसकी नज़रें जवाना पर जम गई और इसके साथ ही उसके चेहरे पर कदरे खौफ के तासुरात उभर आए। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरा शागिर्द रशीद है टाइगर और ये मेरा साथी है मास्टर किलर का जवाना, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओ मम, मगर ये क्या मतलब, तुमने मुझे क्यों झगड़ा हुआ है, लारक ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुमने स्टार ग्रुप को रेड एजेंसी के एजेंटों हार्वर्ड और गॉस्टी के कहने पर हायर किया, फिर इन लोगों ने स्टेट बैंक कॉलोनी की कोठी को मिसाइलों से उड़ा दिया जिसमें पाकिस्तान के मारूफ माहिर माशा डॉक्टर परवेज के साथ पाकिस्तान के इंतहाई कीमती अफराद भी हलाक हो गए। इस तरह तुमने अपनी तरफ से ऐसा काम किया जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के रशियन माशी मुस्तकबिल को तारीख किया जा सकता था, लेकिन स्टार ग्रुप को ट्रेस कर लिया गया और उन्हें हलाक करके उनकी लाशें बरकी भट्टी में डाल दी गई, इनसे हमें तुम्हारे बारे में इल्म हुआ। गो इससे पहले भी तुमने काम किया था लेकिन इस वक्त मामला इस हाथ तक नहीं पहुंचे थे, बहरहाल तुम्हारे पूरे ग्रुप का खात्मा कर दिया गया लेकिन तुम एक्रीमिया जा चुके थे इसीलिए तुम हाथ ना आ सके। अब गो तुम मेकअप करके नए नाम से यहाँ आए हो लेकिन टाइगर ने तुम्हें ट्रैप करने का पहले से बंदोबस्त कर दिया, चुनाचों से इत्तला मिल गई और नतीजे में तुम यहाँ हो, तुम्हारा मेकअप साफ कर दिया गया है, इमरान ने जवाब दिया। तो लारक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, अब मजीद क्या कहा जा सकता है, लारक ने कहा। तुम एक्रीमिया जाकर हार्वर्ड और गॉस्टी से मिले, तुम्हारी बात रेड एजेंसी के चीफ से भी हुई, इमरान ने वैसे ही अंधेरे में तीर चलाया था लेकिन उसे यकीन था कि उसका ये तीर कामयाब रहेगा क्योंकि वो जानता था कि लारक को यकीनन यहाँ उसके ग्रुप और अड्डे के हाथ में की खबर मिल गई होगी और लारक को अपने नुकसान को पूरा करने के लिए रेड एजेंसी से रब्ता करना पड़ा होगा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ, लारक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इन बातों को छोड़ो, ये मामूली बातें हैं, तुम मुझे बताओ कि वहाँ मेरे बारे में क्या बातें हुईं। ये सुन लो कि मुझे इस बारे में पहले से तफसील का इल्म है लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम सच बोलोगे या नहीं। अगर तुम सच बोलोगे और मुझे हलफ दोगे कि आइंदा तुम पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ सकता हूँ।
क्योंकि बहरहाल तुमने ब्राह रास्त को इकदाम नहीं किया था। इमरान ने कहा, ओ अच्छा, क्या वाकई तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? लारक ने चौंक कर किसी और कदर हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे किसी वादे की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही काफ़ी है, इमरान ने कहा। तो लारक ने हावर्ड और गॉस्टी से मिलने से लेकर उनसे होने वाली तमाम बातें और फिर रेड एजेंसी के चीफ से होने वाली तमाम बातचीत की तफसील बता दी। तुम्हारा मतलब है कि अब बाकायदा तौर पर रेड एजेंसी मेरी हलाकत के मिशन पर काम करेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और अब उनके पास इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं रहा, वो तुम्हारी मौत को अपने बड़े नुकसान की तलाफी समझते हैं, लारक ने जवाब देते हुए कहा। तुम दूसरे रोज़ जब चेक लेने हावर्ड के ऑफिस गए तो तुम्हारे टीम में क्या ड्यूटी लगाई गई थी, इमरान ने कहा। तो लारक चौंक पड़ा। ड्यूटी माम, मगर लारक ने एक लहत बौखलाए हुए लहजे में कहा, मैं बताऊं कि तुम्हारे जिम्मे ये काम लगाया गया है कि तुम यहाँ मेरी मसरूफियात को चेक करो और उनकी बाकायदा रिपोर्ट दो, इमरान ने कहा। तो लारक ने बजाय मुंह से कुछ कहने के इस्बात में सर हिला दिया। ओके, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। इसे ऑफ कर दो, ये बहरहाल पाकिस्तानी मुजरिम है, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता ब्लैक रूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद टाइगर भी बाहर आ गया। क्या हुआ, इमरान ने कहा। आपके हुक्म की तामील कर दी गई है, बास जोसेफ उसकी लाश को बरकी पट्टी में डालने गया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा। तो टाइगर सलाम करके आगे बढ़ गया। जबकि इमरान साइड रूम में आकर बैठ गया, उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से इमरान, एम एस सी डी एस सी एक्सन बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ रेड एजेंसी डिक्सन साहब, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तुमने फ़ोन किया है क्यों, दूसरी तरफ से कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसलिए ताकि तुमसे पूछ सकूं कि कब रिटायर हो रहे हो रेड एजेंसी से, इमरान ने कहा। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो, दूसरी तरफ से कदरे घसीले लहजे में कहा गया। इसलिए कि अब तुम्हारी सरबराही में रेड एजेंसी इस हालत तक पहुंच चुकी है कि तुम रेड एजेंसी की फुल टीम को मुझ जैसे एक आम से आदमी की हलाकत का मिशन दे रहे हो, इससे तो यही जाहिर होता है कि तुम्हारी जहनी कैफियत अब रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुकी है, इमरान ने कहा। तुम्हारी हलाकत अब हमारे लिए मुस्लिम करंसी से भी ज़्यादा अहमियत रखती है, मुस्लिम करंसी से तो हमारे माशी माहरीन होती ने मरते रहेंगे, लेकिन तुमने जिस अंदाज में हमें सिलसिले में डांट दिया है उसके बाद हमने ये फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारा मजीद जिंदा रहना क्रीमिया के मफादात के खिलाफ है, और ये सुन लो कि अब चाहे तुम दुनिया के किसी भी खत्ते में पहुँच जाओ या पाताल में छुप जाओ, रेड एजेंसी तुम्हें हर सूरत में और हर हालत में हलाक कर देगी, डॉक्टर ने घसीले लहजे में कहा। तुम्हारी एजेंसी चीफ सेक्रेटरी के मातहत है, इमरान ने कहा। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो, डक्सन ने चौंककर कहा। एक्रीमिया के चीफ सेक्रेटरी सरकार मिक हैं, इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। हाँ, और ये भी सुन लो कि सरकार मिक मुझसे ज़्यादा तुम्हें हला करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, डक्सन ने कहा। हाँ, और ये भी सुन लो कि सरकार मिक मुझसे ज़्यादा तुम्हें हला करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, डक्सन ने कहा। सरकार मिक पहले स्पेशल सेक्रेटरी बराए दिफा थे और अब वो 2 साल कबल वो चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए हैं। ठीक है, मैं सरकार मिक से बात करता हूं, अगर वो वाकई तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी को तबाह कराने पर तुल गए हैं तो फिर मजबूरी है, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया। ये अहमक हो गया है, नॉनसेंस, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। पिटून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, अक्रीमियन लहजे में कहा गया। चीफ सेक्रेटरी का नंबर दें, इमरान ने सर लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने एक बार फिर क्रेडल दबा दिया। पिटून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 चीफ सेक्रेटरी, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से इमरान बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात कराओ वरना क्रीमिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। आप कौन हैं, तफसील से तारुफ कराएं, दूसरी तरफ से कहा गया। वो मेरा नाम जानते हैं, कराओ बात और वक्त ज़ाया मत करो, इमरान ने गराते हुए कहा। होल्ड करें, मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कौन बोल रहा है, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से इमरान बोल रहा हूँ, सरकार में आप सिर्फ मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं बल्कि आपको ये भी मालूम है कि मैं जो कुछ कहता हूँ मैं वो कर भी देता हूँ, इसीलिए ये भी सुन लें कि अभी तो मैंने सिर्फ मुस्लिम करेंसी को मार्केट में लाने की हद तक अपने आप को महदूद रखा हुआ है ताकि ये करेंसी इकनॉमिक्स के असूलों के तहत खुद बहुत इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना ले, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो क्रीमिया के तमाम बड़े कॉरपोरेट बैंकों से तमाम सरमाया पलक चपकने में गायब हो सकता है और रिज़र्व बैंक ऑफ क्रीमिया में मौजूद सोने की वो ज़हायर जिनके सर पर डॉलर की साख मुस्तहकम है, वो तमाम ज़हायर अफ्रीका के भूखे अवाम की फलाह बहबूद में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद आप चाहे माहिर मौशियात ना भी रहें, इतनी बात तो आप समझ ही सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का क्या हशर होगा और क्रीमिया की मईशत किस तरह पाताल में जा पहुँचेगी और फिर उसे संभालना किसी के बस का रोग नहीं होगा, और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्रीमिया का वही हशर होगा जो आप लोगों ने ऐसे इकदाम करके रूसिया का किया और रूसिया की सारी रियासतें बिखर गईं और वहाँ की आवाम रोटी के एक टुकड़े को तरस गए। ये काम क्रीमिया की रियासतों और आवाम के साथ भी हो सकता है, इमरान ने इंतहाई तेज़ लहजे में मुसलसल बात करते हुए कहा। तुम मुझे क्यों धमकियाँ दे रहे हो, वजह, सरकार मिक ने स्पॉट लहजे में कहा। इसलिए कि रेड एजेंसी का अहमक चीफ डिक्सन सोच रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बैंकों के खिलाफ वही कार्रवाई की जाए जो मैंने क्रीमिया के बारे में बताई, बज़ाहिर वो यही कर रहा है कि ये कार्रवाई वो मेरी जात के खिलाफ करना चाहता है।
लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी जात के खिलाफ उसकी पूरी टीम भी कुछ नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि डक्सन ऐसी हरकत करना चाहता है? सरकारमी के लहजे में हैरत थी। उससे मेरी फ़ोन पर बात हुई है और जिस अंदाज में उसने बात की है उससे मैं असल मामलात को समझ गया हूँ। मैं रेड एजेंसी या उसकी फुल टीम से खौफज़दा नहीं हूँ क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है और किसी से नहीं। लेकिन मैं इस हद तक नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। आप जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक मेरा रद्दअमल होगा, इमरान ने कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, डक्सन वाकई तुम्हारी ज़ात के ख़िलाफ़ काम करना चाहता था लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुमने जो कुछ कहा है तुम वाकई कर भी सकते हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में एक्रीमिया का ऐसा हशर हो, इसीलिए बेफिक्र हो, डक्सन आपको इकदाम नहीं करेगा। हम मुस्लिम करेंसी का मुकाबला मार्केट के असूलों के तहत करेंगे, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। आप जैसे ज़िम्मेदार आदमी की बात पर मुझे एतमाद है, इसीलिए गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। हावर्ड और गॉस्टी दोनों जैसे ही चीफ के ऑफिस में दाखिल हुए तो चीफ का चेहरा देखकर बेइख्तियार चौंक पड़े क्योंकि चीफ का चेहरा बुझा हुआ सा दिखाई दे रहा था। आओ बैठो, चीफ डक्सन ने मुर्दा से लहजे में कहा। तो हावर्ड और गॉस्टी दोनों मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। क्या हुआ चीफ, क्या आप बीमार हैं? हावर्ड ने कहा। नहीं, आज मुझे मालूम हुआ है कि बेबसी किसे कहते हैं, चीफ ने कहा। तो हावर्ड और गॉस्टी दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। बेबस क्या मतलब पास इस बार, गॉस्टी ने कहा। तुम दोनों यकीनन पकीशिया जाकर इमरान के खिलाफ काम करने के लिए तैयारी कर चुके होगे, चीफ ने कहा। जैस पास आज रात ही जाना चाहते हैं, हावर्ड ने कहा। अब ये मिशन हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया है और मुझे हुक्म दिया गया है कि अब अगर मैंने रेड एजेंसी को पकीशिया और या इस इमरान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ मुझे सीट से हटा दिया जाएगा बल्कि मेरा कोर्ट मार्शल भी कर दिया जाएगा, चीफ ने कहा। तो हावर्ड और गॉस्टी दोनों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब बास, क्यों? हावर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान ने मुझे फ़ोन कॉल की, फिर उसने मुझे धमकियां दी, मैंने जवाब में उसे कह दिया कि वो आप किसी सूरत भी बच नहीं सकता, रेड एजेंसी उसे पाताल में भी नहीं छोड़ेगी और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम हलाक नहीं हो जाते, जिस पर उसने मुझे कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा। लेकिन चूंकि मुझे मालूम था कि चीफ सेक्रेटरी साहब हमसे भी ज़्यादा इमरान के हाथ में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए मैंने परवाह ना की। लेकिन फिर कुछ देर बाद चीफ सेक्रेटरी साहब की कॉल आ गई, उन्होंने वही कुछ कहा जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर हमने अब पकीशिया या इमरान के खिलाफ कोई इकदाम किया तो मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि इमरान ने उन्हें कहा है कि अगर रेड एजेंसी ने कोई हरकत की तो उसके नतीजे में क्रीमिया के तमाम बड़े कॉरपोरेट बैंकों से सरमाया गायब कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ क्रीमिया के सोने के वो तमाम जहाज़ जो डॉलर के इस्तेहकाम की जमानत हैं उन्हें भी निकाल कर अफ्रीका के अवाम में तकसीम कर दिया जाएगा। नतीजा ये कि डॉलर डूब जाएगा और डॉलर के डूबते ही क्रीमिया की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी और क्रीमिया का वही हशर होगा जो रूसिया का हुआ है। क्रीमिया के तमाम रास्ते बिखर जाएंगे और यहाँ की आवाम रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते रह जाएंगे, डक्सन ने कहा। ओ ओ वेरी बैड, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? हावर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, चीफ सेक्रेटरी भी जानते हैं, मैं भी और तुम भी, कि इमरान के लिए ये सब कुछ मुमकिन है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने क्रीमिया के मफाद में ये फैसला किया है कि आइंदा रेड एजेंसी पकीशिया या इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और अब मैं चाहूँ भी तो ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये बेबसी नहीं है कि हमें इमरान ने पहले मुस्लिम करेंसी के मिशन में वाजिश कर दी और अब उसने इस अंदाज में सिर्फ धमकियां देकर क्रीमिया की सबसे ताकतवर एजेंसी को बेबस करके रख दिया है, डक्सन ने तवील सांस लेते हुए कहा। आप सरकारी तौर पर ऐसा नहीं कर सकते लेकिन हम प्राइवेट तौर पर तो ऐसा कर सकते हैं, हावर्ड ने कहा। नहीं, अब भी मुझे एहसास हो रहा है कि हमसे गलती हो रही थी, इमरान तो शायद हमारे हाथों मारा ना जा सके लेकिन क्रीमिया बहरहाल तबाह हो सकता है और तुम चाहे प्राइवेट तौर पर ऐसा करो या सरकारी तौर पर उसे रेड एजेंसी की तरफ से ही समझा जाएगा, इसलिए अब भूल जाओ, डॉक्टर ने कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर ने कहा। अली इमरान, MSCDS एक्शन बोल रहा हूँ, हावर्ड और गॉस्टी तुम्हारे ऑफिस में मौजूद हैं, हावर्ड से मेरी बात कराओ, दूसरी तरफ से अली इमरान की आवाज़ सुनाई दी। तो डक्सन बेइख्तियार चौंक पड़ा, उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो मेरे ऑफिस में हैं? डक्सन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब चीफ साहब, ये ज़रूरी नहीं कि मैं खुद क्रीमिया पहुंचकर उनकी निगरानी करूं, यहाँ क्रीमिया में भी पकीशिया सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो डक्सन किस तरह होन पिंच गए जैसे वो दांतों से होन काट कर अलहदा कर देना चाहता हो, साथ ही उसने रिसीवर क्रैडल की तरफ बढ़ा दिया। यस, हावर्ड बोल रहा हूँ, हावर्ड ने तेज़ और घसीले लहजे में कहा। अली इमरान बोल रहा हूँ, हावर्ड तुमने जिस लहजे और अंदाज में बात की है उसकी वजह मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हारे चीफ ने यकीनन तुम्हें बता दिया होगा कि क्रीमिया के साथ क्या हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे और गॉस्टी के साथ क्या हो सकता है। तुमने डॉक्टर एहसान की वालिदा, बहन, नौजवान भांजे और भांजी को जिस सफाकी से हलाक किया था उसके बाद तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैं इसीलिए खामोश हो गया था कि तुमने ये सब कुछ मिशन के सिलसिले में किया था और मिशन के दौरान ऐसी कार्रवाइयां ना चाहते हुए भी मजबूरन करनी पड़ जाती हैं, लेकिन अब तुमने चीफ से ये कहकर सरकारी तौर पर ना सही प्राइवेट तौर पर पकीशिया के खिलाफ काम किया जा सकता है अपनी असल जहनीत को आश्कार कर दिया है।
लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम रेड एजेंसी के अच्छे एजेंट हो और मैं नहीं चाहता कि बगैर किसी वजह के तुम एजेंटों से रेड एजेंसी महरूम हो जाए, इमरान ने कहा। ये आज तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, हावर्ड ने ढाई घसीले लहजे में कहा। हावर्ड, तुमने जो जूते पहन रखे हैं उनके तलों में 3x रेंज बम मौजूद हैं जिन्हें किसी भी लम्हे डिचार्ज किया जा सकता है, और तुम जानते हो कि अगर उन्हें डिचार्ज कर दिया गया तो ना तुम रहोगे, ना तुम्हारी बीवी गॉस्टी और ना तुम्हारा चीफ टक्सन और ना रेड एजेंसी का हेडक्वार्टर। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, इसलिए मैं 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करूँगा और तुम उन्हें ऑफ कर दो, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो हावर्ड ने बिजली किसी तेज़ी से रिसीवर रखा और झुक कर उसने अपने बूट के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। डक्सन और कॉस्टी दोनों के चेहरे यकलहत तारीख पड़ चुके थे। फिर चंद लम्हों बाद वाकई उसके बूट के तलवे से एक सुनहरी रंग की पतली सी पट्टी बाहर निकल आई, जिसका एक कोना उस तरह बार बार चमक रहा था जैसे उस पर लाइट पड़ रही हो। हावर्ड ने बिजली किसी तेज़ी से इस पट्टी की दूसरी तरफ का कोना मोड़ दिया। कोना मोड़ते ही वो चमक खत्म हो गई। तो डक्सन और कॉस्टी ने इस कदर तवील सांस लिए जैसे उनके सरों से हज़ारों टन बोझ उतर गया हो। ये कैसे हो गया, वेरीसैड, ये तो वाकई इंतहाई खौफनाक बम है और किसी भी लम्हे डिचार्ज हो सकता था, वेरीसैड, हावर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका रंग सरसों के फूल से भी ज़्यादा जर्द नज़र आ रहा था। गॉस्टी और डक्सन की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि अगर ये बम डिचार्ज कर दिया जाता तो वही नतीजा निकलता जो इमरान ने बताया था। इमरान, वाकई अफ्रियत है, समझ में ना आने वाला अफ्रियत, डक्सन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हैरत है, बूट मैंने अलमारी से निकाल कर पहने हैं, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, हावर्ड ने कहा। ये शख्स जादूगर है, वाकई जादूगर, उसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, गॉस्टी ने भी तवील सांस लेते हुए कहा। फिर वाकई 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो डक्सन ने एक बार फिर तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, डक्सन ने कहा। अली इमरान है, मैं CDS से अक्सर बोल रहा हूँ, अब बताओ तुम्हारा बख्शिशा के खिलाफ क्या मूड है, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। I am sorry इमरान, हम गलती पर थे, तुमसे मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है, इसीलिए बेफिक्र रहो। वाकई रेड एजेंसी बाइंदा पाकिस्तान के खिलाफ या तुम्हारे खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी, ना सरकारी तौर पर और ना ही प्राइवेट तौर पर, डक्सन ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा। हावर्ड और कॉस्टी का क्या ख्याल है, इमरान ने कहा। I am sorry इमरान, जो कुछ चीफ ने कहा है वही अब मेरे ख्यालात हैं, हावर्ड ने जल्दी से रिसीवर लेते हुए कहा। सुनो हावर्ड, मुझे अपनी ज़ात के खिलाफ किसी कार्रवाई से कोई घबराहट नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मेरी आड़ में पाकिस्तान को माशी मैदान में तबाह करने का प्लान बना रहे थे, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब अगर तुम्हारे चीफ, तुम्हें और कॉस्टी तीनों को समझ आ गई है तो फिर मुझे तुमसे कोई इख्तलाफ़ नहीं रहा, इसलिए मुझे यकीन है कि अब हमारी मुलाकात बड़े अच्छे और दोस्ताना माहौल में ही होगी, इमरान ने कहा। हाँ यकीनन ऐसा ही होगा, हावर्ड ने जवाब दिया। ओके, फिर ऐसा है कि कॉस्टी के बैग के खुफिया खाने में भी एक ऐसा ही बम मौजूद है, उसे भी बेकार कर दो, मैंने इसलिए ये डबल काम कर दिया था, अगर तुम्हारा जहन नाकाबले इस्लाह हो जाए तो फिर उसे ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अब जबकि तुम हो दोस्ती के कायल हो गए हो तो तुम्हें बहरहाल ज़िंदा रहने का हक है, गुड बाय, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। जबकि इमरान की बात सुनकर कॉस्टी बेहिचार उछल पड़ी, उसने बिजली किसी तेज़ी से अपने बैग को खोला और फिर चंद लम्हों बाद जब एक बार फिर वैसा ही बम उसके बैग से भी बरामद हो गया जैसा हावर्ड के बूट से बरामद हुआ था, तो इन तीनों के जिस्म बेख्तियार होफ से लरजने लग गए। वो वाकई इस तरह कांप रहे थे जैसे वो रेड एजेंसी जैसी इंतहाई ताकतवर एजेंसी के अफराद होने की बजाय छोटे, अब तो मुझे इमरान के नाम से भी होफ आने लग गया है, कॉस्टी ने बम को नकारा करते हुए कहा। तो डक्सन और हावर्ड दोनों ने इस तरह सर हिला दिए जैसे वो भी कॉस्टी की बात से 100% मुत्तफिक हों। इसके साथ ही ये सीरीज़ हुई ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ हाज़िर होते हैं जल्द ही आपकी खिदमत में एक न्यू दिलचस्प सीरीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।